पहला क्वेश्चन देखो, आप स्क्रीन पर ऑलरेडी देख पा रहे हो। अ चार्ज पार्टिकल चार्ज की वैल्यू और मास दी हुई है प्लस क्यू कॉमा एम, प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन विद अ वेलोसिटी वी नॉट आई कैप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी माइनस के कैप। द पार्टिकल इज ऑल्सो एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर इक्वल टू माइनस ऑफ बी इंटू वी वेक्टर वेयर बी इज अ कॉन्स्टेंट एंड वी इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द पार्टिकल फाइनली स्टॉप्स। तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट बेसिकली आपको निकालना, जहां पे पार्टिकल रुकेगा उस वहां का। अब इसमें सबसे पहली चीज है, जो चीजें आपको नोटिस करनी चाहिए वो ये है। पहला चीज ये है कि ये फोर्स जो है ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये हमेशा पाथ के क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना, ऑलवेज ऑपोजिट टू पाथ। ये समझ आ रही है आपको, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, टेंजेंशियल टू पाथ होती है ना हमेशा, राइट। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंशियल टू पाथ एंड ये फोर्स ऑपोजिट टू वेलोसिटी, इसका मतलब ऑपोजिट टू पाथ हमेशा लगेगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है। हाँ सर, स्पीड जो है ये इसी की वजह से घटेगा, ये बेसिकली एयर ड्रैग की तरह है, जैसे या विस्कस फोर्स की तरह बात कर लो। जैसे विस्कस फोर्स अगर आपको याद हो तो 6πeRV जो हम लिखते थे, कोई सॉलिड मतलब सॉलिड स्फीयर को जब हम एक विस्कस लिक्विड में डालते थे तो उसके ऊपर एक विस्कस फोर्स लगती थी 6πeRV। तो 6πeR एक कॉन्स्टेंट की तरह आप मान सकते हैं एंड वी जो है वो वेलोसिटी था, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के हमेशा अपोजिट। तो बिल्कुल सिमिलर सिनेरियो में ये भी है। तो इसका काम यह है कि स्पीड को वो घटाता जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से स्पीड कभी चेंज नहीं होती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सिर्फ डिफ्लेक्शन आती है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कोई स्पीड में चेंज नहीं आएगी, बस चेंज जो आएगी स्पीड में वो सिर्फ और सिर्फ ये मतलब ये जो भी विस्कस फोर्स की तरह ये जो भी फोर्स है उसकी वजह से ही आएगा। तो अब इसके लिए एक बार जस्ट रिप्रेजेंटेशन करना स्टार्ट करते हैं कि सिचुएशन कैसा दिखेगा। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस मैंने चूज कर लिया XY एंड यहाँ पे ओरिजिन है, इस ओरिजिन से वी नॉट आई कैप से हमने प्रोजेक्ट किया हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी को वी नॉट दिखा दिया एंड इसकी चार्ज प्लस क्यू एंड मास एम दे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ एग्जिस्ट करता है उसने दे रखा है माइनस के कैप की तरफ, तो बी अंदर की तरफ दिखा दिया मैंने। अगर आप इसी पोजीशन पे वी क्रॉस बी चेक करोगे तो वेलोसिटी से बी की तरफ अपने फिंगर्स को कर्ल करो, देखो थम पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको? वी क्रॉस बी से थम किस तरफ आ रहा है, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। हाँ सर, आ रही है। So Q into V not B, तो इसका मतलब डिफ्लेक्शन इसका क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफ्लेक्ट कर जाएगा ना, ये करेगा नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिफ्लेक्ट कर जाएगा। हाँ सर, राइट। तो इसकी पाथ को मैं कुछ ऐसा दिखा सकता हूँ कि ये वेरी नेक्स्ट मोमेंट पे ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट करके इधर से इधर जा चुका होगा, समवेयर लाइक दिस। तो यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी किसी भी एक रैंडम टाइम पे मैं दिखा रहा हूँ कि इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं वी हो चुकी है, दिस हैज अ रैंडम वेलोसिटी एट एनी रैंडम टाइम, इसकी वेलोसिटी वी हो चुकी है, ऑब्वियसली स्पीड घट चुकी होगी विस्कस फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे अभी हमने इसकी वेलोसिटी को वी दिखा रखा है। अब हम क्या करते हैं, इस पे इस इंस्टेंट पे क्या वेलोसिटी पे फोर्सेस लग रहे होंगे, मतलब इस पे क्या क्या फोर्सेस लग रहे होंगे, पहले वो फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये कॉम्पोनेंट अगर देखोगे एंगल थीटा जो हम दिखा रहे हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, तो वेलोसिटी की वैल्यू को हम इस एंगल के टर्म्स में ब्रेकअप कर सकते हैं। तो यहां से अगर मैं दिखाऊं तो इधर से vx आएगा और यहाँ पे vy आएगा, vx vy ऑलरेडी आपको नोन है, v cos थीटा v sin थीटा आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आप क्या करो, इस तरह के सिचुएशन में ना जब भी आपके कोऑर्डिनेट्स वगैरह को एनालाइज करना है या वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को एनालाइज करना है, क्योंकि देखो आपको vx vy कुछ भी नहीं पता, क्योंकि v नहीं पता थीटा भी नहीं पता, तो आप क्या करो यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करो, x एक्सिस के मोशन के लिए डायनेमिक्स लिखो एंड y एक्सिस के लिए डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखो, मतलब नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आप x एक्सिस के अलोंग अलग काम करना एंड y एक्सिस के अलोंग अलग काम करना, ठीक है, दोनों के लिए अलग काम करेंगे। तो इस पार्टिकल पे अगर मैं फोर्सेस दिखाता इसी लोकेशन पे फोर्सेस अगर दिखाएंगे, तो फोर्सेस आप क्या क्या देखेंगे, एक है ऑपोजिट टू वेलोसिटी विस्कस फोर्स वाला जो हम बोल रहे थे, तो ये हमारा एफ लगेगा, दिस इज एफ जो ऑपोजिट टू वेलोसिटी था, एंड दूसरा साइमल्टेनियसली क्यूवीबी भी लगेगा। क्यूवीबी को आप वेलोसिटी के डायरेक्टली परपेंडिकुलर नहीं करके आप इंडिविजुअली क्या कर सकते हैं, वीएक्स के लिए अलग क्यूवीएक्स इनटू बी कर लो एंड वीवाई के लिए अलग क्यूवीएक्स क्यूवीवाई इनटू बी कर लो, क्योंकि वैसे भी आपको इंडिविजुअल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके ही आपको इंडिविजुअल वेलोसिटीज का इंफॉर्मेशन मिलेगा एंड फिर वेलोसिटी से आप पोजीशन का पता कर पाएंगे, क्योंकि आपको फाइनल पोजीशन निकालना है कहां पे वो रुक रहा है, तो पोजीशन डायरेक्टली ऐसे पता नहीं चलेगा, पहले आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम या किसी तरह से एक्सप्रेस करना पड़ेगा पोजीशन एंड फिर वहां से आप पोजीशन निकालने का सोचेंगे। तो इसीलिए यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट के लिए मैं क्यू वी एक्स इंटू बी लगा रहा हूं, तो वी एक्स इंटू क्रॉस बी करोगे तो देखोगे आप डायरेक्शन ऊपर की तरफ आएगा, तो ये ऊपर की तरफ मैं फोर्स दिखा रहा हूं, ये मैग्नेटिक फोर्स है, दिस विल बी क्यू इनटू वी एक्स इनटू बी, फिर वी वाई की वजह से अगर क्यू वी वाई इनटू बी करोगे तो वाई से बी की तरफ कर्ल करो अपने फिंगर्स को, लेफ्ट की तरफ आएगा, तो यहां से जो फोर्स आएगी लेफ्ट की तरफ दैट विल बी क्यू इनटू वी वाई इनटू बी,
देखो आप लोगों को ये बात समझ आई, यहां तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है? चेक करो, कोई कंफ्यूजन है यहां तक? ठीक है, अभी देखो इधर से ये एंगल भी देखो, फ्रिक्शन जो नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो भी थीटा है, क्योंकि आपको पता है फ्रिक्शन अपोजिट टू वेलोसिटी है, तो ये एंगल भी थीटा ही है। तो अब इंटरेस्टिंगली अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग अगर मोशन को एनालाइज करता हूँ, जस्ट मैं एक्स एक्सिस के अलोंग मोशन को एनालाइज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपको पता चल रहा है यहाँ पे एक्सेलरेशन जो एक्स एक्सिस की तरफ होगा वो पीछे की तरफ ही आ रही है, दिस इज कमिंग बैकवर्ड्स, एंड वाई डायरेक्शन का जो एक्सेलरेशन है वो ऊपर की तरफ है, सो दिस इज अपवर्ड्स। तो पहले मैं वाई डायरेक्शन के लिए ही लिख लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे फोर्स है क्यू वी एक्स इंटू बी, एंड दैट विल बी मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, एंड इसको आप लिख सकते हो मास इंटू डी वी वाई बाई डी टी। आई होप यू गेटिंग दिस, समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब आप एक्स एक्सिस के अलोंग इक्वेशन लिखेंगे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो इक्वेशन आई, अच्छा एक मिनट, एक गड़बड़ हो गया, मैंने फोर्स का देखो जो विस्कस फोर्स था उसका वाई कॉम्पोनेंट नहीं लिया, भूल गया मैं वहां पे, आप लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया, एक मिनट रुकिए, इसको सुधारना पड़ेगा, विस्कस फोर्स का वाई कंपोनेंट नहीं लिया मैंने, विस्कस फोर्स का वाई कंपोनेंट भी तो है ना, देखो एक चेक करो एक बार, एफ साइन थीटा है ना, साइन थीटा, हाँ सर, ठीक है, और एक्स कंपोनेंट भी है ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये है एफ कॉस थीटा, ठीक है। अब वाई डायरेक्शन का अब इक्वेशन फिर से लिख रहा है, ठीक है, तो वाई डायरेक्शन के अगर इक्वेशन लिखेंगे तो लिखेंगे क्यू वी एक्स इंटू बी माइनस ऑफ एफ साइन थीटा is equal to mass into acceleration along y-axis. F sin theta में F की value b into v थी, इसको substitute कर दो, तो इसको लिख सकते हैं q into vx into b minus of b into v into sin theta and that is equal to m into ay. F की value को minus bv मत substitute कर देना, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ F का magnitude मुझे चाहिए था, क्योंकि मैंने negative को already ले लिया था, देखो diagram में क्या मैंने F को negative लिया था या नहीं लिया था, देखो वेलोसिटी का ऑपोजिट तो मार्क किया ही था, तो इसलिए फिर से नेगेटिव मत लिख देना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो v sin थीटा क्वांटिटी ये क्या है, व्हाट इज v sin थीटा भैया, क्या ये वेलोसिटी का y कंपोनेंट है या नहीं है, राइट, हां सर, वेलोसिटी का y कंपोनेंट, तो उसको सब्स्टिट्यूट करो, तो यहां से लिख सकते हैं qvx into b minus of bvy is equal to m into ay, ऑन ay को आप लिख सकते हो dvy divided by dt, ठीक है, तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई है। अब इससे देखो सर, इसको एक फर्स्ट इक्वेशन नहीं नेम करके एक काम करते हैं, इसको और फर्दर प्रोसीड करते हैं, इसको देखो आपको x और y का रिलेशन चाहिए ना, तो x और y का रिलेशन जब आपको चाहिए तो जब ये स्टॉप करेगा फाइनल जो जहां पे भी स्टॉप करेगा वहां पे आपको पता है ना कि फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, होगी नहीं होगी, yes, जहां पे भी स्टॉप करेगा फाइनल वेलोसिटी तो पक्का है जीरो हो जाएगा, और इनिशियली अगर देखोगे तो इनिशियल x डायरेक्शन का वेलोसिटी इज v नॉट एंड इनिशियली y डायरेक्शन का वेलोसिटी इज जीरो, तो मैं इसी इक्वेशन को अगर नेक्स्ट स्टेप में फर्दर ब्रेक करूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं q into dx by dt into b minus of b into dy by dt and is equal to m into dvy by dt। अब देखो dt तो सब में कॉमन है, उसको हटा सकते हैं यहां से, तो इसी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं q dx into b minus of b into dy is equal to m into dvy, देखो ये लिखा जा सकता है, ठीक है, हाँ। अब इस इक्वेशन को आप इंटीग्रेट कर लो दोनों तरफ, ठीक है, इंटीग्रेट करो दोनों तरफ, लिमिट्स तो आपको पता है कहां से कहां तक जाना है, इनिशियली ओरिजिन से स्टार्ट किया तो एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है एंड फाइनली जहां पे स्टॉप कर रहा है नहीं पता, तो उसको हम फाइनली हम लोग एक्स एफ लिख लेते हैं, ठीक है, मतलब जहां फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट ये है उसका स्टॉपिंग जहां पे हो रहा है, एंड वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सिमिलरली जीरो, एंड यहां पे वाई कोऑर्डिनेट के लिए लिख सकते हैं वाई एफ लिख सकते हैं जहां पे फाइनली ये रुक रहा है, अच्छा वाई रहने देते हैं, छूट मूट का बेकार का वाई एफ रहने देते हैं, ठीक है, एंड वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट इनिशियली कितना था जीरो एंड फाइनली जब ये रुकेगा तब भी तो जीरो हो जाएगा, तो जीरो टू जीरो इंटीग्रेट होगा, तो इक्वेशन देखो क्या आ रही है, क्यू एक्स इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू वाई, दिख रही है आपको, दिख रही है, हाँ सर, हाँ। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई जिसमें हमें x और y के बीच में एक रिलेशन मिल चुका है, ना तो x पता है ना तो y पता है, तो दो वेरिएबल है तो दो इक्वेशन डेफिनेटली चाहिए। अब दूसरा इक्वेशन आपको कहां से मिलेगा, अब आपको x डायरेक्शन के मोशन से नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा, तो अब x डायरेक्शन का डायनेमिक्स का इक्वेशन लिखो, x डायरेक्शन का डायनेमिक्स इक्वेशन क्या है, नेट फोर्सेस q vy into b and plus f cos theta is equal to mass into acceleration along x axis and acceleration along x axis देखो ये opposite to velocity along x axis है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट इंस्टेंट पे वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस क्या है, डिक्रीज करने वाला है, तो इसको जब आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, मास इनटू डीवी एक्स बाय डीटी या माइनस ऑफ डीवी एक्स बाय डीटी, क्या लिखोगे आप यहां पे, क्या लिखोगे, एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस को एम इनटू मतलब एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस को डीवी एक्स बाय डीटी लिखे या माइनस ऑफ डीवी एक्स बाय डीटी लिखे,
माइनस के साथ लिखेंगे ना, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में देखो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वहां पे नेगेटिव के साथ लिखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप है, फिर से बाकी का काम वही है। देखो अब यहाँ पे वापस से लिखते हैं क्यू वी वाई इंटू बी एंड एफ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो ये बी वी हो जाएगा, बी वी इंटू कॉस थीटा यहाँ पे, एंड सॉरी एंड दिस शुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ एम इंटू डी वी एक्स बाई डी टी। अब ये वी कॉस थीटा वापस से क्या है, ये तो वी एक्स हो जाएगा। अब वी एक्स की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो ये हो जाएगा क्यू इंटू, अब ये लिख रहे हैं डी वाई बाई डी टी इंटू बी माइनस ऑफ बी इंटू डी एक्स बाई डी टी and is equal to minus of m into dvx by dt। अब dt फिर से देखो eliminate हो जाएगा यहाँ से, तो dt eliminate हो गया, तो ये हो जाएगा q into dy into b minus of b into dx is equal to minus of m into dvx। फिर से integrate करें और limit substitute करें, properly ध्यान देंगे। initially origin से start किया था, और origin से start करते वक्त जो initial velocity x-axis के along थी वो v not थी, तो यहाँ zero मत लिखना। But finally सारी finally जो coordinates है वो आपकी y and x, एंड आपकी यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग वो जीरो हो जाएगी क्योंकि स्टॉप कर चुके हैं वो। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन की इक्वेशन आ रही है क्यू वाई बी माइनस ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वी नॉट आ रही है, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई है। देखो हमारे पास दो वेरिएबल थे एक्स और वाई, और दो इक्वेशन हमने फ्रेम भी कर लिए हैं। अब इन दोनों को बस मुझे क्या करना है, सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, क्यू एक्स बी की वैल्यू बी वाई है, तो वहां से वाई की वैल्यू को हम लिख सकते हैं क्यू बी एक्स बाई बी, क्यू बी एक्स बाई बी, तो इसको लिख लेते हैं। सो क्यू बी इंटू क्यू बी एक्स बाई बी एंड माइनस ऑफ बी एक्स इज इक्वल टू एम वी नॉट आ जाएगी। तो यहां से अगर आप देखोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जा रही है, x इज कमिंग आउट टू बी एम वी नॉट इंटू बी डिवाइडेड बाई दिस इज क्यू बी का होल स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। दिख रही है आपको x कोऑर्डिनेट मिल गई, दिख रही है। And therefore, अपना y coordinate कितना हो जाएगा? So y coordinate थी qb by m, sorry qb by b into x, तो इसके साथ आप m v not into b divided by qb का whole square minus of b square कर सकते हैं। तो यहाँ से b कट जाएगा, आपको y coordinate भी मिल गया। ठीक है, clear है सभी को? Yes sir. तो ऐसे क्वेश्चंस में आप ध्यान रखना, मेन तरीका यही होता है कि आपको एक्स एक्सिस के अलोंग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, वाई डायरेक्शन के अलोंग अलग डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना पड़ता है, एंड किसी तरह से आप अगर कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो कोऑर्डिनेट्स को रिलेट करते हैं, अगर वेलोसिटी चाहिए होता तो वेलोसिटी को रिलेट करते हैं। मैं आगे और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा, वो लास्ट की तरफ मैंने कुछ चूज कर रखे, थोड़े से लंबे क्वेश्चन है इसलिए मैं लास्ट की तरफ उसको करूंगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ नॉन कंडक्टिंग नॉन मैग्नेटिक रॉड having circular cross section of radius r is suspended from a rigid support as shown in the figure. A light and small coil of 300 turns is wrapped tightly at the end of the rod where uniform magnetic field B exists in vertically downward direction. Air of density rho hits the half of the right part of the rod with a velocity v as shown in the figure. What should be the current in the clockwise direction in the coil so that the rod remains in horizontal equilibrium? मतलब basically equilibrium में ही रखना है। Give your answer in milliampere, और कुछ values दे रखा उन्होंने, 2 by LV into root under pi RB by rho, ये 1 ampere का power minus half है। Assume air does not rebound after hitting, ठीक है। अब करते हैं इसको, बेसिकली इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें टॉर्क बैलेंसिंग करना है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये एक रॉड है जो दोनों तरफ से सस्पेंडेड है, मतलब एक पॉइंट से सस्पेंडेड है। अब इधर से अगर आप देखोगे तो इधर से हमने कॉइल यू नो रैप कर रखा है, तो कॉइल रैप कर रखा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर दे रखा है, तो इससे क्या होगा कि जैसे अगर मान लेते हैं कि इसमें हमने इस डायरेक्शन में करंट सेंड कर रखा है इधर से, मतलब इधर से देखने पे मैं बोल रहा हूँ क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का अगर करंट है तो इसमें मैग्नेटिक मोमेंट इधर जनरेट होगी। अब अगर मैग्नेटिक मोमेंट इधर है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, तो एम क्रॉस बी देखें, एम क्रॉस बी, तो ये इधर से मेरे सामने की तरफ से मैं अगर देख रहा हूँ तो मुझे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक यू नो टॉर्क दिख रही है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आएगी, तो इसकी वजह से रॉड क्या होगा, ये बेसिकली इधर टिल्ट करने की कोशिश करेगा। बट अगर हम चाहते हैं ये टिल्ट ना करे तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, दूसरे आर्म में कोई और फोर्स लगा के उसको ये काउंटर टॉर्क देना पड़ेगा ताकि वो टर्न ना करे, और इसी की वजह से उसने क्या किया, यहाँ पे एयर पार्टिकल्स को बेसिकली ऊपर से प्रोजेक्ट किया है, एंड उसके बाद फिर ये जब इसके साथ स्ट्राइक करेगा तो उसमें कोलिजन होगी,
और कोलिजन परफेक्टली इन इलास्टिक टाइप का दे रखा है क्योंकि वो कह रहे हैं कि रिबाउंड नहीं कर रहा है, तो बेसिकली आप ऐसे सोच सकते हैं कि टकराते ही वेलोसिटी जीरो हो जा रहा है, तो वो वैसा सिचुएशन दे रखा है, तो टकराएगा तो मोमेंटम एक्सचेंज करेगा बेसिकली, तो उससे फोर्स लगेगा एंड वो फोर्स की वजह से क्या होगा, ये इसको इधर मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क देगा, तो फाइनली क्लॉकवाइज टॉर्क एंड एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आपको बैलेंस करना है, उसी से काम बन जाएगा। आपको बात समझ आ रही है क्या करना है? हाँ समझ आ रही है। तो अब मेन देखो लेफ्ट हैंड साइड से टॉर्क लिखना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंपल सा रिजल्ट है, एम क्रॉस बी करना है आपको, करंट आपको करंट ऑलरेडी वही निकालनी है, तो करंट आप कुछ भी एक वैल्यू मान लो, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे एक करंट आप आई फ्लो करा रहे हैं, तो आई फ्लो करा रहे हैं तो करंट आपकी इधर हो मैग्नेटिक मोमेंट आपकी इधर हो जाएगी, और एम क्रॉस बी अगर निकालेंगे तो आपकी इधर की तरफ एक टॉर्क आएगी, सो दिस टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड इज एम बी, ये आएगी एम बी, एम और बी के बीच में 90 डिग्री है, तो करंट इंटू एरिया कर लिया, रेडियस आपको दे रखा है आर है, देखो यहाँ पे दे रखा है, तो करंट इंटू एरिया पाई आर स्क्वायर कर लिया, एंड मैग्नेटिक फील्ड आपने बी लगा लिया, एंड नंबर ऑफ टर्न्स आपके पास कितने हैं, 300 टर्न्स हैं, तो इंटू 300 भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो मैग्नेटिक फील्ड की टॉर्क है। अब एयर का टॉर्क आपका किस तरफ होना चाहिए, इस तरफ आपका एयर का टॉर्क आना चाहिए, दिस शुड बी टॉर्क ऑफ एयर। अब टॉर्क ऑफ एयर निकालने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, आप इसको देखो, अगर इधर से देखोगे तो सिचुएशन कुछ ऐसा दिखेगा आपको, अब यहां से देखो इसमें क्या कर रहा था, हमने ऊपर से बेसिकली एयर पार्टिकल्स को भेज रखा है, ऐसे दिखा दूंगा इसको, ये कुछ ऐसा ऊपर से आके बेसिकली एयर स्ट्राइक करेगा, एंड देन स्ट्राइक करने के बाद इमीडिएटली तुरंत बाद ही वो क्या करेगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो इसका मतलब ये पता है कि जितनी एयर पार्टिकल्स पर सेकंड ट्रेवल कर रही है, अगर आपको ये पता चल जाए, ठीक है, तो उस केस में अगर आपको रेट ऑफ कोलिजन अगर निकालो, देखो जैसे आपको फोर्स निकालना है तो कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड आउट फोर्स, कितनी फोर्स को लगा रहा है, तो फोर्स निकालने के लिए आपको यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड करना पड़ेगा, कितनी मोमेंटम का चेंज आ रहा है पर सेकंड गैस मॉलिक्यूल्स के लिए या एयर मॉलिक्यूल्स के लिए, एग्जैक्टली उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम आपका क्या होगा, उतना ही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब फोर्स वो आपके सिलेंडर पे भी लग रहा होगा। तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है। तो अभी आप क्या करोगे, यहां से पहले आप ये सोच के देखो कि जैसे भले ही ये सिलेंडर है जिसके आप क्या कर, जिसके ऊपर क्या कर रहे हो आप, वॉल पे आप यू नो एयर पार्टिकल्स को गिरा रहे हो, बट जिस क्रॉस सेक्शन का एयर मॉलिक्यूल्स है जो इस सरफेस के साथ स्ट्राइक करेगा, वो एक सिलिंड्रिकल सरफेस का एयर मॉलिक्यूल्स नहीं है। मॉलिक्यूल्स अगर क्रॉस सेक्शन अगर देखोगे तो वो एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन बनेगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो रेक्टेंगल कौन सा है, देखो ये वाला रेक्टेंगल बन रहा है, देखो ये, देखो ये रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये देखो दिख रही है, इसी को फर्दर ऊपर की तरफ अगर आप एक्सटेंड करोगे देखो, तो यहां से एयर मॉलिक्यूल्स देखो यहां पे आ रही होगी और यहां से इसको स्ट्राइक करेगी। आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर, आर यू ऑल गेटिंग इट, समझ आ रही है सबको? ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ जस्ट ताकि आपको ये ध्यान भी रह जाए। एक मिनट,
थोड़ा सा जो डायग्राम सुधार देते हैं ताकि आपको बाद के लिए कन्वीनियंस हो। ये देखो आपको बात समझ आ रही है ना, अभी क्लियर है सभी को कि इस पर्टिकुलर, देखो यहां से ये मैं शेड कर देता हूँ उसको, देखो ये वाला देखो सरफेस जो है उसी से एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, दिख रहा है आपको? हाँ सर, दिख रही है। हाँ। और उससे कितने एयर मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं, वो सारे बेसिकली इस पे क्या करेंगे, टकराएंगे, ठीक है? तो सिलेंडर सरफेस भले ही कर्व्ड है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट यही है कि ये जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन दिख रहा है उससे कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेकंड आ रहे हैं, ठीक है? तो वो फाइंड आउट कर लेते हैं एक बार। देखो डायमेंशन एक बार मार्क कर लेते हैं, यहाँ पे डायमेंशन मार्क करें। देखो ये वाली लेंथ आपको दिख रही है कितनी है, ये क्या ट्वाइस ऑफ रेडियस होगी, हाँ सर, डायमीटर। और ये वाली लेंथ देखो उसने ऑलरेडी दे रखा है, ये L by 2 का है, देखो दिख रही है आपको एयर मॉलिक्यूल्स, देखो डायग्राम में, देखो मेन डायग्राम जो दिया हुआ है देखो उसमें, देखो एयर मॉलिक्यूल्स L by 2 लेंथ पे आ रहा है, दिख रहा है? यस सर, यस, ठीक है। तो अगर मैं ये पूछूं कि रेट ऑफ एयर फ्लो कितना है, ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एयर अगर ये निकालनी है आपको तो क्या करेंगे आप, मतलब ये मैं फाइंड करना चाहता हूँ मतलब मास रेट ऑफ फ्लो, ठीक है, मास रेट ऑफ फ्लो की बात कर रहे हैं। तो मास रेट ऑफ फ्लो मतलब ये आपको डीएम बाई डीटी निकालनी है। तो डीएम बाई डीटी कैसे निकालेंगे, डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया एंड इनटू वेलोसिटी, यही करेंगे ना, रो ए वी, याद है आपको ये सब अपने फ्लूइड मैकेनिक्स में किया है, रो ए वी डायरेक्टली कर सकते हैं आप, राइट? हाँ सर, ठीक है, डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी, एरिया इनटू वेलोसिटी करेंगे तो वॉल्यूम रेट ऑफ फ्लो मिलेगा, उसके साथ डेंसिटी मल्टीप्लाई कर दिया तो फिर मास रेट ऑफ फ्लो मिल गया। अब देखो अगर मैं ये बोलूं कि यहाँ पे इतना नंबर ऑफ इतना मास पर सेकंड आके, यू नो, पर सेकंड आके इस सरफेस के साथ आके स्ट्राइक करने वाला है, सिलेंडर के सरफेस के साथ, और सभी मॉलिक्यूल्स का वेलोसिटी का चेंज सेम ही आएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी सबकी जीरो आ रही है, उसने ऑलरेडी कह रखा है कि आप मान लो कि वो रिबाउंड नहीं कर रहे हैं हिट करने के बाद, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही निकलता है कि सबकी फाइनल वेलोसिटी आपको जीरो माननी है। अब सबकी फाइनल वेलोसिटी अगर जीरो है, इफ ईच ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेलोसिटी इज जीरो, तो सबके लिए अगर आप देखोगे तो चेंज ऑफ वेलोसिटी कितने की आई है, जीरो माइनस वी, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज कितनी आई है, वी की तो चेंज आई ना, हां सर, राइट? तो अगर मैं ये निकालना चाहता हूं कि वॉल्यूम रेट ऑफ, अगर मैं निकालना चाहता हूं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितनी की है, तो आप क्या करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास के साथ मोमेंटम का चेंज मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर ये फाइंड आउट करना चाहते हैं तो देखो इसको यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, स्पेस कम रख देते हैं, सो अभी यहां पे लिख देते हैं, सो देयरफॉर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इज फोर्स, एंड इस फोर्स को हम लिख रहे हैं, दिस इज डीपी बाई डीटी, एंड डीपी बाई डीटी को लिख सकते हैं वी इंटू डीएम बाई डीटी, क्योंकि सबकी वेलोसिटी का चेंज वी है। आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ऐसे लिख लीजिए, अगर आप एक स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो उसको ऐसे लिख लीजिए, ये मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी जीरो माइनस वी, एंड डीएम मतलब ये मोमेंटम का चेंज लिखा हमने, एंड फिर डिवाइडेड बाई डीटी कर रहे हैं, तो ये बेसिकली आपको मिल रहा है v into dm by dt, and dm by dt rho a v है, तो इसको लिख सकते हैं rho a into v square लिख सकते हैं। एरिया ध्यान रखो कौन सा है, एरिया is 2r into l by 2, which is basically r into l, ठीक है? अब ये देखो, अब अगर यहां से सोचो कि एक फोर्स लग रही है, इसका इफेक्टिव पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कौन सा होगा, प्रोजेक्शन का मिड पॉइंट है ना, हाँ सर, ठीक है, ये फोर्स लग रही है यहां से और ये इफेक्टिव आपकी बीच में लगेगी, बीच में मिडवे पे लगेगी, तो मिडवे कहने का मतलब इधर से अगर डिस्टेंस अगर निकालते हैं यहां से इस क्रॉस सेक्शन से, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, L by 2 की आधी, मतलब L by 4 आएगी, आएगी। और यहां से अगर देखोगे देखो इसको यहां पे दिखा देते हैं, तो यहां से F आ रही है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, व्हाट विल दिस डिस्टेंस बी, L by 2 प्लस L by 4, मतलब 3L by 4 हो गया, समझ आ रही है आपको, हाँ सर, ठीक है। तो अब टॉर्क बैलेंसिंग कर लेते हैं, सो देयरफॉर एट इक्विलिब्रियम टॉर्क इज करंट इनटू पाई आर स्क्वायर इनटू बी इनटू 300, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू फोर्स इनटू एरिया
force into perpendicular distance. So ये हो जाएगा rho into area is RL into velocity का square. This is force and multiplied by perpendicular distance which is 3L by 4. ठीक है, अब यहाँ से ये 3 को इसके साथ cancel out कर देते हैं, ये 100 बचेगा यहाँ से. And और एक कुछ कट रहा है यहाँ से, radius भी कट रही है और कुछ नहीं कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है. तो हमें यहाँ से करंट की वैल्यू मिल जाएगी. सो करंट की वैल्यू आ रही है रो एल वी स्क्वायर, अच्छा एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर वी स्क्वायर, रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 400 times of rather पाई आर बी. एंड इसका यही वैल्यू आ रही है, दिस इज द वैल्यू दैट इज कमिंग. अब उसने क्या वैल्यू दे रखा है एक बार देखो, उसने दे रखा है 2L by V. अच्छा मतलब सिंपली रूट दे रखा है, देखो इसी का, ये चेक करो. हमको चाहिए रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 400 पाई आर बी चाहिए. तो इसी क्वेश्चन इससे हाँ इसको लिख सकते हैं इनवर्स का रूट. हाँ नहीं नहीं एक 100 भी है बेटा, तो 4L स्क्वायर वी स्क्वायर एंड ये पाई आर बी हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई रो हो जाएगा. और ये बेसिकली इसको 1 लिख सकते हैं क्योंकि 1 एम्पियर का हाफ है, तो 1 एम्पियर का पावर माइनस हाफ है, इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा. इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं रो एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाय पाई आर बी, दिस इज कमिंग आउट टू बी 1/4. ये आ रही है ना, नहीं नहीं 4 आ रही है, सॉरी 4 आ रही है ना, 4 आई ना. हां सर ठीक है. तो अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं, 4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एग्जैक्टली ये 1/100 आ जाएगा. तो 1/100 आई है बट ये एम्पियर्स में आई है. और उसने आंसर हमसे पूछा है गिव योर आंसर इन मिली एम्पियर, देखो गिव योर आंसर इन मिली एम्पियर, आंसर मिली एम्पियर में चाहिए. तो मिली एम्पियर में आंसर इसको क्या लिखेंगे, 10 मिली एम्पियर है ना, सो दिस विल बी 10 मिली एम्पियर, दैट इज द फाइनल आंसर. ठीक है, क्लियर है सभी को, आगे बढ़े. हाँ सर ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. करंट I1 फ्लो कर रही है एक लॉन्ग वायर में, ये एक लॉन्ग वायर है, क्वेश्चन में लिखना भूल गया मैं यहाँ पे, दिस इज अ लॉन्ग वायर. ठीक है, और इसके सामने में यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर लूप दिखा रखा है जिसमें करंट I2 फ्लो कर रही है. और क्वेश्चन में उसने ये पूछा है फाइंड द वर्क डन टू रोटेट द कॉइल बाय 180 डिग्रीज बाय एन एक्सटर्नल एजेंट, कंसिडर एक्सिस ऑफ रोटेशन टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द लूप. इस लूप को हमें 180 डिग्री टर्न करना है, तो टर्न करने के लिए एज एन एक्सटर्नल एजेंट हमें कितना वर्क करना है, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है. अब इसको नॉर्मल तरीके से करोगे तो बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, जहां पे आप एक रैंडम ओरिएंटेशन इसको दिखाएंगे, उस रैंडम ओरिएंटेशन पे इसके ऊपर टॉर्क लगाएंगे और उसके बाद फिर टॉर्क की वैल्यू से फिर टाउ डी थीटा को मल्टीप्लाई करके आप इंटीग्रेट करेंगे. बहुत ही ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो करंट कैरिंग वायर का जो फील्ड होगा वो एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड होगा. मतलब इस लूप के पास में जैसे जैसे आप वायर से दूर जाते जाओगे तो लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का फील्ड भी क्या होगा, घटता चला जाएगा. तो इसका मतलब एक नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में रखा हुआ है, और उसमें भी अगर ओरिएंटेशन चेंज करके आप देखोगे तो कैलकुलेशन बहुत मुश्किल आने वाला है. इससे एक बेटर तरीका है, मैं आपको एक बेटर तरीका दिखाता हूँ, वो काफी आसान तरीका होगा. कैसे करते हैं देखो, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इससे एक आर्बिट्री डिस्टेंस मान लेते हैं, इसको गंदा नहीं करते, इसी को कॉपी कर लेते हैं. So, यहाँ पे करंट I1 है और अब मुझे क्या करना है इस पे, मैं जस्ट ये देखना चाह रहा हूँ. देखो आपको अगर याद हो तो जब भी हम एक करंट कैरिंग लूप को एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते थे तो उसके रिलेटेड आपको कुछ एक्सप्रेशंस अगर मैंने आपको याद है हो तो एक है टॉर्क की एक्सप्रेशन एम क्रॉस बी, और उस लूप की मैग्नेटिक फील्ड में जब हम रखते हैं तो एक पोटेंशियल एनर्जी भी होती है जिसको हम माइनस ऑफ एम डॉट बी से रिप्रेजेंट करते थे, याद है आपको. Do you remember that? Yes, sir. But ये काम आप माइनस ऑफ एम डॉट बी वाला ये तो तभी कर सकते हैं जब लूप क्या हो यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड हो, बट यहाँ पे तो यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस्ड नहीं है.
तो यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस नहीं है, तो इस लूप को आप ऐसे छोटे छोटे एलिमेंट्स में डिवाइड करिए ताकि आपको वो लूप ऐसा दिखे कि ये यूनिफॉर्म फील्ड में प्लेस है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी डी यू फाइंड करके आप टोटल इंटीग्रेट कर लेना तो टोटल एनर्जी मिल जाएगी। तो मेरा ऑब्जेक्टिव अब यही है, यही फाइंड आउट करने के मैं इंटरेस्टेड हूं। मैं तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक आर्बिट्री डिस्टेंस पे चला गया, आई वेंट टू एन आर्बिट्री डिस्टेंस, यहां मान लेते हैं इसमें हम x डिस्टेंस पे चले गए और यहां पे ऐसा एक पतला सा एलिमेंट डिवाइड किया देखो, और इसकी थिकनेस को मैंने dx चूज किया है। इसमें अगर आप देखोगे तो ये छोटा सा लूप एक बन रहा है, इस बड़े से लूप का एक छोटा सा सेगमेंट है, दिख रहा है आपको, बड़े से लूप का छोटा सा सेगमेंट है, दिख रही है आपको? हाँ सर। आप बोलोगे सर इसमें तो करंट ही नहीं है तो लूप कैसे मान रहे हो इसको, तो अभी इसको अगर आप करंट की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो आप ऐसे तोड़ लो इसको। तोड़ो कैसे, देखो ऐसे सोचो कि यहां से जो करंट फ्लो कर रही है, ये देखो, इसको आप क्या करो, जो ग्रीन लाइन है उसके पास में एक और रेड लाइन देखो मैंने बनाया है, ठीक है, तो यहां का करंट घुमा के इधर से इधर लेके चले जाओ, ये देखो, और एग्जैक्टली उतना ही करंट अब आप ग्रीन वाले वायर में रखो, तो देखो क्या कोई फर्क पड़ा, रेड वाला वायर जो मैंने एक्स्ट्रा डाला वहां पे ये एक्स्ट्रा ग्रीन वाला वायर भी डाल दिया, तो क्या कोई करंट है वहां पे बीच में? नहीं, नॉन नेट नहीं, बट मेरा एडवांटेज क्या हुआ, मेरे लिए तो वो ग्रीन वाला जो लूप बनाया मैंने अब उसमें तो करंट है ना, आ रही बात समझ में? समझ आ रही है? तो ये मेरा एक छोटा सा लूप बन गया, उस छोटे से लूप के लिए पहले मैं मैग्नेटिक मतलब ये जो मतलब पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर रहे थे वो पहले फाइंड आउट कर लेंगे एंड उसके बाद फिर इसी को इंटीग्रेट करके हम टोटल एनर्जी निकालेंगे। तो डी यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ डी एम डॉट बी करेंगे, ठीक है, डीएम किसका निकालना है, सेकंड वाले का मतलब लूप का, जो है लूप में देखो करंट उसने आई टू लिखा है तो उसको टू लिख रहे हैं, और बी किसका लेना है, करंट कैरिंग वायर वन का लेना है, समझ आ रही है, आ रही समझ में, माइनस ऑफ डीएम डॉट बी में सबस्क्रिप्ट, समझ आ रही है आपको। अब एम कैसे निकालते हैं, करंट मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और एम का डायरेक्शन देखो अंदर की तरफ ही है। अच्छा फिलहाल के लिए अगर नहीं भी होता तो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे करते तो यहाँ पे अगर आप लिखते तो यहाँ पे लिखते माइनस ऑफ डीएम को लिख रहे हैं तो करंट इंटू एरिया लिखते तो डीए लिखते, और डीए का डायरेक्शन तो आपको पता ही है कैसे लिखते हैं, पता है ना आपको करंट कैसे लिखते हैं, डीए का डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द लूप, एंड आप फिंगर्स को करंट के डायरेक्शन में कर्ल करते हैं और थंब जो होता है वही क्या होता है, नॉर्मल का डायरेक्शन होता है, राइट। तो इसके साथ आपने बी वन को मल्टीप्लाई किया, और अगर आप देखोगे इंटरेस्टिंग चीज देखो आपको एक दिखेगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ यार ये आई टू एंड इंटू बी बी वन डॉट डी ए टू, इसको ए टू लिख लेते हैं, डी ए टू आ रही है, दिख रही है, बी डॉट डी ए क्या होता है, बी डॉट डी ए क्या होता है, बी डॉट डी ए क्या होता है, बी डॉट डी ए क्या होती है, अरे ई डॉट डी ए क्या होती है, फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ई डॉट डी ए, तो वैसे ही बी डॉट डी ए विल बी मैग्नेटिक फ्लक्स, तो ये वाली जो क्वांटिटी है दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द एलिमेंटल सेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल एरिया ऑफ द लूप, ऐसे लिख देते हैं एलिमेंटल और एलिमेंटल एरिया ऑफ लूप, ठीक है। तो अब अगर आपको टोटल इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज नेगेटिव ऑफ आई टू इंटू डी फाइव, ऐसे लिख लेते हैं डी फाइव फ्लक्स इंटू ड्यू टू करंट इन वन, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। एंड डी यू के लिए भी सब्सक्रिप्ट में ऐसा करते हैं, एक नाम लिख देते हैं टू वन लिख देते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप टू ड्यू टू करंट इन वायर वन, ठीक है। तो अब इसकी वैल्यू को आप लिख सकते हो यू टू वन, अगर चाहिए आपको तो क्या करोगे, इंटीग्रेट कर लो, तो नेगेटिव ऑफ आई टू एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी फाइव टू वन लिख सकते हैं, समझ आ रही है आपको। और यहाँ पे टोटल फ्लक्स आ जाएगा, तो ये हो जाएगी आपके लिए नेगेटिव ऑफ आई टू इंटू फ्लक्स टू वन हो जाएगा, समझ आ रही है। तो एक अगर लूप की, इसको एक स्टैंडर्ड डिजल की तरह याद रखिएगा, अगर एक लूप में करंट आई टू फ्लो कर रही है और अगर आपने उसको किसी एक एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो उस एक्सटर्नल फील्ड का फ्लक्स कैलकुलेट करो उस लूप के थ्रू कितनी आ रही है और फिर करंट इन द लूप से मल्टीप्लाई कर दो नेगेटिव के साथ, तो फिर आपको इससे क्या मिल जाएगी, आपको पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लूप इन द फील्ड ऑफ वन मिल जाएगी। अब अगर पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालना सीख लिया है तो पक्का है अब आप वर्क डन एक लाइन में निकाल सकते हैं। कैसे वर्क निकालना है, तो बस आपको क्या करना है, चेंज ऑफ पोटेंशियल निकाल लेनी है,
right? Yes, sir. The work done by external agent will be change in potential energy. अब एक चीज नोटिस करो, जैसे ये लूप है, सोचो कि ऐसा एक लूप है जिसमें करंट आपकी क्लॉकवाइज फ्लो कर रही है, तो उसका नॉर्मल अंदर की तरफ है, ठीक है, नॉर्मल अंदर की तरफ है, और इनिशियली आप देखोगे तो फील्ड भी अंदर की तरफ है, दिख रही है आपको, फील्ड भी अंदर की तरफ है, हाँ सर, तो फ्लक्स अभी पॉजिटिव हुआ ना, अभी फ्लक्स पॉजिटिव हुआ, पॉजिटिव, यस, ठीक है, बट जब इसको 180 डिग्री हम लूप को टर्न कर देंगे, ऐसे टर्न कर देंगे, तो अब नॉर्मल बाहर की तरफ हो गया, हाँ सर, तो इसका मतलब फाइनल फ्लक्स क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव, बट क्या मैग्नीट्यूड चेंज किया है फ्लक्स का, नहीं, नहीं सर, क्योंकि देखो एक्सिस तो एकदम बिल्कुल उस एक्सिस के रिस्पेक्ट में एकदम बीच वाला एक्सिस है, तो इसलिए जो वाला पार्ट नीचे था वो ऊपर चला जाएगा, जो ऊपर था वो नीचे आ जाएगा, तो इसका मतलब फ्लक्स का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो फाइनल फ्लक्स तो कह सकते हैं ना, वो जस्ट नेगेटिव ऑफ इनिशियल फ्लक्स है, कह सकते हैं, हाँ सर, तो चेंज ऑफ फ्लक्स क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ इनिशियल फ्लक्स कह सकते हैं, हाँ सर, समझ आई आपको, तो इसको लिख रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और इसको भी लिख सकते हैं दिस इज नेगेटिव ऑफ करंट I2 इनटू फ्लक्स फाइनल माइनस ऑफ फ्लक्स इनिशियल, एंड फाइनल फ्लक्स इज जस्ट द नेगेटिव ऑफ इनिशियल फ्लक्स, तो इसीलिए इसको लिख सकते हैं दिस इज नेगेटिव ऑफ I2 इनटू ट्वाइस ऑफ रादर नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ फाइव वन, ऐसा लिख सकते हैं फाइव इनिशियल, समझ आ रही है आपको, Answer. अब ये क्वांटिटी हो गई है ट्वाइस ऑफ, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ आई टू इनटू फाइ इनिशियल, बस यही आपको निकालना है, तो प्लस फ्लक्स निकालना है, अभी फ्लक्स तो आराम से निकाल सकते हैं आप, तो फ्लक्स अगर निकालोगे तो आपको कैसे निकालना है, यहाँ पे देखो इसमें अंदर की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस लूप के एलिमेंटल एरिया पे अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, एंड दैट बी वन इज नोन टू यू, तो आप उसको ही इंटीग्रेट करना है, तो इनिशियल फ्लक्स जो है वो आपको निकालना है यहाँ पे, तो एक बार मैं वो निकाल के दिखा देता हूँ यहाँ पे, एक बार यहाँ निकाल देते हैं, तो इनिशियल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए, तो बी वन इंटू डी ए टू करना पड़ेगा आपको, दोनों ही अंदर की तरफ थे इसलिए cos ऑफ जीरो डिग्री आ जाएगा, cos ऑफ जीरो डिग्री इज वन, एंड इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख सकते हैं बी वन इज म्यू नॉट इंटू आई वन डिवाइडेड बाई टू पाई एक्स, एंड डी ए टू एंड दैट इज सी इंटू डी एक्स, एंड एक्स की लिमिट है ए से लेके बी तक, तो ये हो जाएगी म्यू नॉट इंटू आई वन into c divided by 2 pi into ln of d by a, that's it, so ye hai phi initial, isi ko yahan pe substitute kar diye to final answer aa jayega, so this will be mu not into i1 i2 into c divided by pi and into ln of d by a, that will be the final answer, samajh aaye, yes sir, ye result yaad rakhiyega, theek hai, ki agar aap koi bhi loop ko एक वेरिएबल फील्ड में रखते हैं और उसका ओरिएंटेशन वगैरह चेंज करके आपको अगर वर्क पूछ रहे हैं या फिर ट्रांसलेट ही कर रहे हैं और वर्क पूछ रहे हैं, तो आप सिंपली क्या करो वहां पे उसकी पोटेंशियल एनर्जी पहले फाइंड कर लो इनिशियल, फिर फाइनल, एंड देन चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, नेगेटिव ऑफ करंट मल्टीप्लाइड बाई फ्लक्स इन द लूप ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, दैट्स इट, इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद रखिएगा, जहां पे आप नोट्स शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाते हैं वहां पे इसको लिख के रख लीजिएगा, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, the long cylindrical shell carries a current I along the surface parallel to the axis, find the net magnetic field at the point on the axis, ye long semi cylinder ki tarah dikha rakha hai, isme current along the axis flow kar raha hai, usne keh rakha hai, iska matlab aap aise dikha sakte ho, along the axis matlab kuch aisa hoga, aise along the surface hai, but parallel to the axis hai, along the surface parallel to axis, aapko baat samajh aa rahi hai, yes sir, kuch aisa current aa raha hoga, ye raha, to is pure surface mein aapko basically current dikh rahi hai, aur iski wajah se axis ke kisi bhi point pe aapko field calculate karni hai, ye long cylinder hai to semi cylinder hai, to ye cheez ka dhyan rakhenge, to ends वैसे तो दिखा दिया मैंने आपको finite, but ends नहीं दिख रहा है, ठीक है, ends आपको ये मान के चलना है वो infinity तक extend कर रहा है,
तो इसका बेस्ट तरीका सॉल्व करने का होगा कि आप क्या करो, इसको यहाँ से इस व्यू में आप इसको रीड्रॉ करो. मतलब आप इसको अगर सोचो कि फ्रंट व्यू से देखोगे तो कैसा दिखेगा, फ्रंट व्यू को देखने से क्या आपको लेंथ दिखेगा या सिर्फ और सिर्फ आपको वो सेमी सर्कल दिखेगा? सेमी सर्कल दिखेगा. तो उस पार्ट को हम ड्रॉ कर लेते हैं एक बार. इसको क्रॉस सेक्शनल व्यू भी कह सकते हैं आप. इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल व्यू ड्रॉ कर रहे हैं. ये देखो, ये हमारा क्रॉस सेक्शनल भी हो गया इस सिलेंडर का, सेमी सिलेंडर आता. और इसके लिए आपको पता है कि जो करंट फ्लो कर रही है वो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है? आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन फ्लो कर रही है, ठीक है. तो इसको मैं आउट ऑफ द प्लेन दिखा देता हूँ, यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स बना देते हैं इस पे. तो ये देखो, ये छोटे छोटे जो डॉट्स की तरह बना रहे हैं, क्या इसको इंडिविजुअली एक एक थिन वायर्स की तरह इमेजिन कर सकते हैं क्या हम? Can we imagine them to be single thin wires? ऐसा एक combination of जैसे ऐसे पतले पतले thin wires एक दूसरे के पास पास एकदम एक दूसरे के साथ adjacent में लगे हुए, उससे पूरा complete आपका एक cylinder बन रहा है. समझ आ रही है क्या कह रहा हूँ मैं? Are you understanding? Yes sir. ठीक है, अब इसके लिए अपने को magnetic field calculate करना है center पे basically. तो मैं एक बार इसका construction complete कर देता हूँ. एक बार एक्सिस के किसी पॉइंट पे पूछा है तो मतलब यहाँ पे बेसिकली आपको निकालनी है फील्ड, इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है. अब इस पॉइंट पे फील्ड निकालने के लिए अगर आप एलिमेंट्स चूज कर लो, तो मान लेते हैं हम यहाँ से एक एंगल थीटा पे एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं, सिमेट्रिकली इस तरफ भी चूज करो, एक साथ दोनों तरफ सिमेट्रिकल चूज करना है, ठीक है. तो इधर भी थीटा एंगल पे चूज किया हमने और डी थीटा का एक पतला सा स्ट्रिप बना लेते हैं. तो ये थीटा पे डी थीटा का स्ट्रिप और इधर से भी थीटा पे डी थीटा का स्ट्रिप है. तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा करंट कैरिंग वायर डी आई का दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? हाँ सर. ठीक है, वो पतली से स्ट्रिप जो है वो ब्लैक कलर के जो शेड किए मैंने उसको डी आई कह रहे हैं. वैसे ही एक डी आई यहाँ पे भी है, देखो यहाँ पे भी देखो एक डी आई है. और इन दोनों डी आई की वजह से आपको फील्ड कैलकुलेट करके फिर इंटीग्रेट कर लेना है, वेक्टर सम करेंगे, ठीक है. तो इस डी आई का करंट एलिमेंट का फील्ड कैसे निकालते हैं? कोई भी करंट कैरिंग वायर है बाहर की तरफ तो इसके चारों तरफ क्या होगा? सर्कुलर लूप की तरह होगा. तो रेडियस वेक्टर के परपेंडिकुलर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा. तो यहाँ पे अगर आप रेडियस वेक्टर ये मार्क कर रहे हो, इफ दिस इज द रेडियस वेक्टर, तो इसके परपेंडिकुलर आपको मार्क करना पड़ेगा, तो इधर आएगा. आ रही बात समझ में आपको? दिस इज डीबी, आ रही है समझ में आपको? यस सर. ठीक है, बाहर की तरफ करंट है तो बाहर की तरफ से अपने फिंगर्स को कर्ल मतलब पॉइंट करके फिर कर्ल करो, आपको दिख जाएगा ये इस लाइन से परपेंडिकुलर आएगा. ठीक है, तो ये एंगल को क्या थीटा मार्क कर सकते हैं? देखो तो कर सकते हैं सर. हाँ सर. ठीक है, अब सेम काम आपको दूसरे वाले डीआई के लिए भी करना है. ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से देखो, यहाँ पे फिर से आर वेक्टर को मार्क करते हैं, पहले पोजीशन वेक्टर को. ये है पोजीशन वेक्टर, अब इससे परपेंडिकुलर मार्क करनी है आपको. एक मिनट रुकिए, स्क्रीन फ्रीज हो गई है, हर बार एक बार स्क्रीन फ्रीज होना है. Yes.
अभी भी स्क्रीन तो दिख रही है बट फिर से हैंग क्यों है? एक मिनट। अभी दूसरा जो करंट एलिमेंट है DI सेकंड वाला, उसके लिए भी देखो मैंने पोजीशन वेक्टर मार्क किया है एंड पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर चारों तरफ सर्कुलर लूप की तरह, तो ये ऐसा मार्क करेंगे। देखो ये भी हमारा DB होगा एंड दिस DB विल बी परपेंडिकुलर टू पोजीशन वेक्टर अगेन, तो ये इससे परपेंडिकुलर होगा। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। क्या इस एंगल को भी थीटा मार्क किया जा सकता है? देखो क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो ये वाला एंगल ऑब्वियसली क्या होगा? थीटा हो जाएगा। दिख रही है आपको? हाँ सर। हाँ अब आप आराम से यहाँ पे फील्ड निकाल सकते हैं। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आपको दिख ही रहा है, किस तरफ आएगा? इस तरफ आएगा ना? आई गेटिंग इट? हाँ सर। तो दिस इज बी नेट कह सकते हैं आप, और ये बी नेट निकालनी है तो आपको क्या करना है? इंटीग्रेट कर लेना है। सो बी नेट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ ट्वाइस ऑफ DB cos थीटा, एंड ट्वाइस ऑलरेडी लिख रखा है तो इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाय 2 लिखेंगे, पाई बाय 2 या फिर माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिखेंगे? 0 से पाई बाय 2 0 से पाई बाय 2। अगर आप माइनस पाई बाय 2 से प्लस पाई बाय 2 लिखना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन DB cos थीटा लिखेंगे। समझ आ रही है आपको? हां सर। हां सर। ठीक है, तो क्या लिख रहे हो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना। सो अब यहां पे बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो B की वैल्यू जो आने वाली है, B नेट की वैल्यू, that will be twice of integration of DB cos theta लिखने, तो DB की value कितनी है? mu naught into DI, DI की value कितनी है? जो total current है उस पूरे cylindrical surface पे, वो आपका I दे रखा उसने, तो वो जो surface है, वो surface का angular width कितना है? pi है ना? कितने angle पे वो distributed है? pi angle पे distributed है? pi, और हमारा जो पतला सा strip है, उसका angular width कितना है? d theta, तो क्या हम इसको I by pi into d theta ऐसा लिख सकते हैं, है ना? तो अब वही लिख रहे हैं, तो mu naught into di की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, mu naught into i by pi into d theta, so mu naught into di हो गया, divided by 2 pi into r, radius इसका शायद capital R दिया हुआ है, अच्छा small r दिया हुआ है, तो small r ही सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, mu naught into di by 2 pi r, ये infinite wire के लिए field लिख लिया, and इसके साथ हमें cos theta को multiply करना है, तो cos theta को multiply कर लें, and integration 0 से लेके pi by 2 complete कर लेते हैं। अब तो कुछ बचा ही नहीं है इतना, इसके बाद तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तो mu naught into I डिवाइडेड बाय ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये हो जा रही है आपके पास पाई स्क्वायर into R एंड इंटीग्रेशन ऑफ cos theta d theta 0 से लेके पाई बाय 2। cos theta का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin theta, और sin theta में अपर लिमिट डालोगे पाई बाय 2 तो 1 हो जाएगा, और लोअर लिमिट डालोगे तो 0 0 हो जाएगा। इसका सिंपली रिजल्ट क्या आ रही है? mu naught into I डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर into R, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है सबको? समझ आ गई है? हाँ सर। हाँ सर। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नॉन कंडक्टिंग डिस्क ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विथ क्यू एंड देन मेड टू रोटेट विथ अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी अबाउट इट्स ओन एक्सिस एट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द डिस्क। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसा है, ये डिस्क है, ये डिस्क पूरा का पूरा उसने चार्ज कर रखा है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उसे पेरिफेरी पे चार्ज है, पूरे सरफेस पे चार्ज है, और इस डिस्क को उसने कह रखा है कि इसके एक्सिस के अबाउट इसको एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा देके हम स्पिन करा रहे हैं, चार्जेस पूरे सरफेस पे है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड हमें अभी इसका सेंटर पे निकालना है, इसका चार्ज एंड रेडियस आपको दिया हुआ है। ठीक है, आप क्या करो, यहाँ से अगर आप एक आर डिस्टेंस पे चले जाते हो और यहाँ पे एक पतला सा रिंग चूज करते हो, बहुत ही पतला सा रिंग चूज करिए डी आर थिकनेस का, डी आर थिकनेस की एक पतली सी रिंग चूज करिए हमने, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग दिखेगा, फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गई, तो यहाँ पे देखोगे अगर आप, एक छोटा सा एलिमेंटल रिंग हमने बनाया है और उस एलिमेंटल रिंग में जो चार्जेस हैं, इस एलिमेंटल रिंग में सोचो कुछ चार्जेस होंगे, वो चार्जेस भी तो चक्कर काट रहे है नहीं है? हाँ सर। अब इसकी वजह से एक करंट कंस्टिट्यूट होगा, यानी होगा होगा सर,
तो उस करंट का वैल्यू हम लिख सकते हैं ना, इसमें इस एलिमेंटल रिंग का सर्कुलेशन की वजह से जो करंट जनरेट होगी, करंट ड्यू टू सर्कुलेशन ऑफ चार्जेस, सर्कुलेशन ऑफ चार्जेस ऑन एलिमेंटल रिंग लिख रहे हैं, एलिमेंटल रिंग, इसको डी आई लिख रहे हैं। तो डी आई की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, डी क्यू मल्टीप्लाइड बाई टाइम, सॉरी डिवाइड बाई टाइम पीरियड, चार्ज फॉर्म पर यूनिट टाइम पीरियड। तो इसको लिख सकते हैं dq विच इज चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब q बाई बाई आर स्क्वायर, एंड इस टू उसका एरिया विच इज 2 पाई r इनटू dr। तो ये dq हो गया, एंड टाइम पीरियड को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वैल्यू लिख लिया हमने। तो अभी अगर आप देखोगे तो ये 2 पाई, ये 2 पाई कैंसिल आउट हो जा रही है, तो हमारे पास di की वैल्यू आ रही है q, सॉरी 2 तो कर दिया है, ठीक है, q बाई पाई आर स्क्वायर इनटू ओमेगा and into R dr आ रही है। This is the value of di, मतलब जितनी करंट आपकी जनरेट हुई है वो आपने निकाल ली है। अब इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर में प्रोड्यूस होगी उसको हम लिख सकते हैं ना म्यू नॉट आई बाई टू आर, आई की जगह डी आई सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा आपको, राइट। सर्कुलर लूप के लिए मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे कितनी आती है, म्यू नॉट आई बाई टू आर आती है ना। हाँ सर। सो मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ड्यू टू this elemental ring, इसको dB लिख रहे हैं, and that will be mu naught into dI divided by 2R लिखेंगे, mu naught I by 2R की जगह mu naught into dI by 2R लिखते हैं। अगर आप देखोगे तो एक R कट जाएगा, तो value आ रही है mu naught into omega, sorry Q omega, मतलब Q लिख लेते हैं, mu naught into Q omega divided by 2 pi capital R square and into simply dR आ रही है। और अब अगर आपको magnetic field चाहिए तो आप इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां इंटीग्रेट करना आपको, जीरो से लेके कैपिटल आर तक, तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आएगी, सो बी की वैल्यू अगर चाहिए आपको तो बस इंटीग्रेशन ऑफ डीबी कर लेंगे, एंड इंटीग्रेशन डीबी विल बी म्यू नॉट इनटू ओमेगा इनटू सॉरी क्यू एंड डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन ऑफ डीआर व्हिच इज फ्रॉम 0 टू कैपिटल आर, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स, नीचे लिख देते जगह, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट इनटू ओमेगा इनटू क्यू डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर इनटू कैपिटल आर, R gets cancelled out and that becomes mu naught into Q omega by 2 pi into Kepler. ये आंसर होगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ सर। इसी में क्वेश्चन आपको, जैसे अगर मान लो कि MCQs में अगर आएगा तो कैसे क्वेश्चन और जनरेट कर सकते हैं इससे, जैसे मान लो मल्टीपल चॉइस करेक्ट वाली क्वेश्चन है, तो मैंने बोला 0 से लेके कैपिटल R by 2 वाला जो थिकनेस है और कैपिटल R by 2 से लेके आर तक का जो थिकनेस है, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड का कंट्रीब्यूशन, उसको बी वन बी टू मैंने बोल दिया, और मैंने पूछा आपसे कि बी वन बी टू का रेशियो बताओ कितना है, तो दोनों का रेशियो बता सकते हैं क्या है, 1:1 लिमिट्स बदल के बता दे। लिमिट्स अगर आप देखोगे तो एक में 0 से लेके आर बाई टू डालना है और दूसरे में क्या करना है, आर बाई टू से आर डालना है, तो दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन तो सेम ही आ रहा है ना, आ रही बात समझ में? हाँ सर। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक देखो क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। कीपिंग कोऑर्डिनेट एक्सिस फिक्स्ड, द डिस्क इज मेड टू रोटेट अबाउट जेड एक्सिस विथ एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, द पोटेंशियल ड्यू टू चार्जेस ऑन द डिस्क एट ओरिजिन इज वी नॉट, फाइंड द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन। मैग्नेटिक फील्ड एट ओरिजिन हमको निकालना है, ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है डिस्क पे, और इस डिस्क को जेड एक्सिस के अबाउट घुमाया जा रहा है। तो अगर मैं इसको सोचूं ऐसे जगह की, ठीक है, तो उसको अगर इसको एक बार मैं रीड्रॉ करता हूं, ये देखो ये सिचुएशन है हमारे पास। तो अभी क्या कर रहे हैं, जैसे इसमें आप क्या करो, किसी भी आर्बिट्री पोजीशन पे चले जाओ, यहाँ पे मान लो आर्बिट्री पोजीशन पे चले गए, इस आर्बिट्री पोजीशन पे मान लेते पोजीशन वेक्टर dr r है, और यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंटल चार्ज इमेजिन करो, ये एलिमेंटल चार्ज मान लेते हैं dq है, तो ये dq वाला जो चार्ज है ये इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा ना, ओरिजिन के चारों तरफ चक्कर काट रहा होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से देखो एक करंट जनरेट होगी डीक्यू की वजह से,
होगी नहीं होगी? डीक्यू वाला जो चार्ज है वो बेसिकली गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो उसकी वजह से एक करंट जनरेट होगी और उस करंट की वजह से सेंटर पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। या डायरेक्टली बैट सबर्ट लॉ भी यूज कर सकते हैं, बैट सबर्ट लॉ अगर आपको मूविंग चार्जेस के लिए याद है तो वो भी यूज कर सकते हैं। बट सिंस सर्कुलर लूप में मूव कर रहा है तो म्यू नॉट आई बाय 2 आर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट तुरंत से निकल जाएगा उससे, तो उसको यूज कर लेते हैं। तो डीबी की अगर एक्सप्रेशन चाहिए मुझे डीबी एट सेंटर, तो उसको क्या लिखेंगे हम? म्यू नॉट इन टू डी आई एंड डिवाइडेड बाय 2 आर, यही लिखो क्या? देखो चेक करो, DI is the current due to the circulation of the elemental charge DQ. समझ आ रही है आपको? Yes sir. अब इसको कैसे लिख सकते हैं आप यहाँ पे? Mu naught divided by 2R into, अब DI की वैल्यू लिख रहे हैं, DI is DQ by time period which is 2 pi by omega, तो इसको लिख सकते हैं DQ into omega divided by 2 pi लिख लिया, करेक्ट है यहाँ पे? हाँ सर। ठीक है, अभी देखो यहां से आपको वैल्यू मिल रही है म्यू नॉट बाई 4 पाई एंड दैट मल्टीप्लाइड विथ ओमेगा एंड दिस इज डी क्यू डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, ये देखो बी की एक्सप्रेशन मिल गई, मुझे डीबी की एक्सप्रेशन मिल गई है। तो अगर मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ओरिजिन पे तो क्या करना पड़ेगा? मुझे क्या करना पड़ेगा इसका इंटीग्रेशन, तो म्यू नॉट इंटू ओमेगा डिवाइडेड बाई 4 पाई किया एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी क्यू डिवाइडेड बाई आर कर लिया, यही तो करना है ना हमें। And this integration is to be performed over the entire disk. Interestingly, देखो आप ये integration इतनी आसानी से कर नहीं सकते, but एक चीज दे रखा है जो आपने अभी तक result use नहीं किया, और वो क्या है? उसने potential due to the charges on the disk दे रखा है origin पे V naught है। तो अगर मुझे V naught निकालना होता तो हम कैसे करते? ये elemental charge DQ का origin से distance R है, तो K into DQ by R करते या नहीं करते? करते? हाँ sir. तो पोटेंशियल वी नॉट अगर लिखना होता मुझे, तो यहां से मुझे समझ आ रहा था कि वी नॉट अगर मुझे चाहिए तो मुझे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ के इनटू डीक्यू डिवाइडेड बाय आर। तो इसका मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डीक्यू बाय आर कितनी हो गई है? इंटीग्रेशन डीक्यू बाय आर इज वी नॉट इनटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट नॉट है, नहीं है? समझ आई आपको? हां सर। अब इसको वहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो, सो दिस बिकम्स म्यू नॉट इनटू ओमेगा डिवाइडेड बाय 4 पाई and that multiplied with V naught into 4 pi epsilon naught. 4 pi cancel out ho gaya. Any value aapko mil gayi hai. V naught epsilon naught into omega V naught. Yeh final answer ho gaya. Samajh aayi aapko? Sabko clear hai? Yes, sir. Agar aap dekho to question difficult nahi hai. But haan, ajeeb sa lagega, dekhne mein ajeeb lagega. Uske baad aap proceed nahi karoge, to dikkat aayegi. अगर आप बेसिक चीजों से स्टार्ट करते हैं कि ठीक है अगर रोटेटिंग डिस्क है, अब यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एलिमेंटल चार्ज चूज करना होता है, एलिमेंटल चार्जेस चूज करने के बाद उसकी वजह से करंट डीआई निकालनी होती है, डीआई निकालने के बाद फिर हमें उसकी मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट डीआई बाय 2 आर लिखना है और उसके बाद फिर इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेशन के बाद आपने जब देखा डीक्यू बाय आर तो यहाँ पे अटक सकते थे आप, बट जैसे ही आपने ये सोचा होता कि हाँ एक डेटा मैंने अभी तक यूज नहीं किया पोटेंशियल वाला, तो पोटेंशियल वाला एक्सप्रेशन को कैसे निकालते, तो आप यही सोचते कि हाँ जब अगर कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है तो स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं है तो क्या करते हैं? इंटीग्रेशन ऑफ के डीक्यू बाय आर ही तो करते हैं, तो के डीक्यू बाय आर करते ही आपको पता चल जाता कि हाँ ठीक है डीक्यू बाय आर का इंटीग्रेशन क्या है। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अ रिंग ऑफ रेडियस आर हैविंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज क्यू is mounted on a rod suspended by 2 identical strings. The tension in the strings in equilibrium is T naught. Okay, तो यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि कोई भी रोटेशन नहीं हो रही थी, पहले तो कोई रोटेशन नहीं हो रही थी, उसने दे रखा है कि इक्विलिब्रियम पे अगर हैंग कर रहा था तो उसमें टेंशन T naught था, तो इसका मतलब T naught की वैल्यू को, यार दोनों तरफ से T naught आ रहा है, तो हम लिख सकते हैं 2 T naught की वैल्यू को mg से इक्वल कर सकते हैं। mg इज द टोटल मास ऑफ द सिस्टम, जहां पे वो मतलब जो डिस्क है बीच में रॉड है वो सबका मास को इंक्लूड करके कह रहे हैं। उसके बाद उसने क्या रखा है? नाउ नाउ मतलब अब कर रहे हैं, नाउ वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड स्विच्ड ऑन द रिंग, स्विच्ड ऑन द रिंग इज रोटेटेड एट अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओके, लैंग्वेज का थोड़ा सा गड़बड़ है, बट इंपॉर्टेंट यही मीनिंग निकल रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोजेक्ट मतलब अप्लाई किया और डिस्क आपकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से टर्न कर रहा है। अब उसने क्या रखा? फाइंड द मैक्सिमम ओमेगा विद विच द रिंग कैन बी रोटेटेड इफ द स्ट्रिंग्स कैन विदस्टैंड मैक्सिमम टेंशन ऑफ 3 टी नॉट बाई 2। तो स्ट्रिंग मैक्सिमम टेंशन 3 टी नॉट बाई 2 कर सकता है टॉलरेट, आप मैक्सिमम ओमेगा कितना दे सकते हैं आपको ये फाइंड करना है। अब मैक्सिमम ओमेगा कैसे निकालेंगे पहले ये सोचें।
अब ये सोच के देखो कि अगर मैं सर्कुलेशन मतलब अगर मैं सोचू कि सॉरी अगर सोचो कि इसमें ओमेगा तो आपका इस तरफ से देखूं तो एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो आएगी वो इस तरफ ही आएगी लेफ्ट की तरफ, तो एम लेफ्ट की तरफ है इसमें, मतलब अगर मैं सिचुएशन को एक बार रीड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो अभी यहाँ पे टेंशन आपका अब टेंशन जो है वो कुछ और हो चुका होगा, टी नॉट नहीं रहेगा क्योंकि आप एंगुलर वेलोसिटी दे चुके हैं और मैग्नेटिक फील्ड भी स्विच ऑन कर चुके हैं, तो आप टेंशन को टी नॉट नहीं लिख सकते, टेंशन टी नॉट पहले था ठीक है जब ये मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन नहीं हुई थी। इसमें एंगुलर वेलोसिटी की वजह से एक मैग्नेटिक मोमेंट इधर की तरफ जनरेट होगी, ये एम होगी और एम क्रॉस बी, अब करो एम से ऊपर की तरफ बी है, देखो एम लेफ्ट की तरफ राइट की तरफ है और बी ऊपर की तरफ है, तो एम क्रॉस बी करोगे तो आप देखोगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक टॉर्क क्रिएट हो रहा है, दिख रही है आपको? Can you see this? Yes, sir. Right? हाँ. ये टॉर्क आपकी मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है, एम क्रॉस बी वाली टॉर्क, ठीक है? तो एम क्रॉस बी वाली टॉर्क अगर इस तरफ आ रही है सोचो, तो इधर से देखो ये जो दो पॉइंट पे सस्पेंडेड है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इधर की तरफ टॉर्क देता हूँ ऐसा मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो दोनों तरफ से वायर सस्पेंडेड है, तो ये वाला जो वायर है ये वाला एंड पे मतलब लेफ्ट वाले एंड पे वो थोड़ा सा नीचे और ज्यादा पुल्ड होगा या नहीं? ये देखो ये वाला पॉइंट नीचे जाना चाह रहा है, दिख रहा है आपको? दिख रही है? तो नीचे ये वाला जो एंड है लेफ्ट वाला जो एंड है वो और ज्यादा नीचे की तरफ पुल्ड होगा या नहीं होगा? आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? और जो राइट वाला एंड है देखो, राइट वाला अगर इसको इधर से टॉर्क कर दे रहे हो आप, तो राइट वाला एंड जो है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ, थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखो टॉर्क मतलब ये यू नो टिल्ट होने की कोशिश कर रहा है, तो इस केस में इधर वाला जो राइट वाला एंड है उसका टेंशन थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा और लेफ्ट वाला जो एंड है उसका टेंशन थोड़ा सा क्या होगा इंक्रीज कर जाएगा। समझ आ रही है आपको? समझ आइए आप सब? तो टेंशन इसको T1 कह लेते हैं, दिस टेंशन विल नाउ बिकम लेस देन T0 एंड ये टेंशन को मैं T2 कह लेता हूं, दिस विल बी ग्रेटर देन T0। समझ आइए आप सबको क्यों बढ़ा क्यों घटा? समझ आइए सबको? ठीक है, अब आप देखोगे तो टॉर्क बैलेंसिंग फिर से करेंगे क्योंकि उसने कह रखा है मतलब जो मैक्सिमम टेंशन ये स्ट्रिंग दोनों ही स्ट्रिंग टॉलरेट कर सकते हैं वो 3T0/2 है, तो जब ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू पूछा है तो ऑब्वियसली टेंशन भी मैक्सिमम आ चुका होगा, तो टेंशन सबसे ज्यादा कहाँ पे है? T2 मतलब लेफ्ट वाले स्ट्रिंग में ही है, तो T2 की वैल्यू को ही आपको कितना सब्स्टिट्यूट कर लेना है, 3T0/2 सब्स्टिट्यूट करना है। T1 का वैल्यू हमको नहीं पता, उसकी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो आप आगे इस पे फोर्सेस अगर देखोगे और फर्दर क्या लग रही है, तो एक तो इसका खुद का वेट mg लग रहा होगा, और अगर मैं इक्विलिब्रियम की कंसीडर की बात कंसीडरेशन ले रहा हूं, तो देखो T1 पता नहीं हमें, तो क्यों ना हम इसी पॉइंट के वो टॉर्क लगा लेते हैं, तो टॉर्क लगाएंगे तो T1 का टॉर्क की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें, तो T1 का वैल्यू का भी जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि T1 उसके T1 का टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट जीरो आ जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं ए कह लेता हूं और मैं लिख रहा हूं कि आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड, सॉरी आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ फील्ड टाउ नेट, फिर जीरो लिखेंगे एंड नेट टॉर्क अगर जीरो लिख रहे हैं तो देखो टॉर्क का डायरेक्शन किसका किसका किस तरफ है, एमजी का टॉर्क है ये अबाउट ए लिख रहे हैं, ठीक है ध्यान रखिएगा टॉर्क अबाउट ए लिख रहे हैं, तो mg का टॉर्क इज एंटी क्लॉकवाइज, तो mg इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली लेनी पड़ेगी आपको, तो ये l by 2 है और इधर से भी l by 2 है, तो ये हो जाएगी mg इनटू l by 2, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज एंड मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया व्हिच इज पाई r स्क्वायर एंड दैट मल्टीप्लाइड विद मैग्नेटिक फील्ड i इनटू b इनटू sin 90, ठीक है, तो ये हो गया टॉर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज, दैट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज डायरेक्शन का टॉर्क व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय T2 एंड दैट इज 3T0/2 एंड दैट मल्टीप्लाइड विद कितनी आएगी यहां पे डिस्टेंस इज L क्योंकि A के अबाउट टॉर्क लिख रहे हैं तो L लिखेंगे यहां पे, ठीक है। अब mg तो आपको पता नहीं था मतलब गिवन वेरिएबल नहीं है, बट देखो उसको हमने फर्स्ट इक्वेशन से ऑलरेडी निकाल रखा था, mg वाज 2T0, तो सब्स्टिट्यूट करते इसको, तो 2T0 into L by 2 is plus करंट की वैल्यू को हम वापस से वही सेम तरीके से चार्ज पर यूनिट टाइम लिखेंगे, ये एक रिंग था डिस्क नहीं था, ये एक रिंग था ध्यान करो, तो रिंग है तो सारा चार्ज सर्कमफेरेंस पे ही है, तो डायरेक्टली वहां पे लिख सकते हैं हम लोग। अरे फिर से स्क्रीन फ्रीज हो गई है, स्क्रीन फ्रीज हो गई फिर से।
दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ सर। ठीक है, हाँ तो एक बार बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो करंट की वैल्यू को हम लोग वही चार्ज फोन पर यूनिट टाइम पीरियड से लिखेंगे। तो चार्ज उसका क्यू था एंड टाइम पीरियड 2 पाई बाय ओमेगा, मतलब ओमेगा बाय 2 पाई लिख लेंगे यहाँ पे। एंड ये हो गया करंट, एंड इसके साथ हमें पाई आर स्क्वायर इनटू बी को मल्टीप्लाई करना है, एंड इसको लिखेंगे तो 3t0 बाय 2 इनटू एल लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से ये टू कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से पाई भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड वैल्यू जो आपको मिल रही है क्यू ओमेगा आर स्क्वायर इनटू बी बाय 2, इसकी वैल्यू मिल रही है 3t0 इनटू एल बाय 2 माइनस t0 इनटू एल, मतलब t0 इनटू एल बाय 2 मिल रही है। ये टू टू कैंसिल आउट हो गई है एंड आपको यहाँ से ओमेगा की वैल्यू मिल रही है। सो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी टी नॉट एल डिवाइडेड बाय क्यू आर स्क्वायर इनटू बी, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। रोटेटिंग चार्जेस का कांसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रोटेटिंग चार्जेस को हमेशा करंट की तरह आप कैसे कोरिलेट कर रहे हैं। रोटेटिंग चार्जेस की वजह से करंट निकालनी है तो चार्ज फ्लो कर रही है पर यूनिट टाइम पीरियड निकाल रहे हैं, मतलब क्यू ओमेगा बाय 2 पाई करना है। सारा अगर चार्ज सर्कमफेरेंस पे तो डायरेक्टली क्यू ओमेगा बाय 2 पाई, और अगर डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है तो पहले डीक्यू निकाल के डीक्यू ओमेगा बाय 2 पाई एंड उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली मतलब अगर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो करंट इनटू एरिया करके फिर मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे या फिर जो भी चीज निकालनी है वैसे निकालेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं अभी, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वापस से काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखो एक बार ध्यान से पढ़ो फिर आगे पढ़ते हैं। At one end of a rigid rod of length L is attached a particle of charge, a particle of positive charge Q, and at the other end a particle of negative charge of same modulus, मतलब plus Q minus Q की तरह। डायग्राम में भी दिखा रखा है वहाँ पे। The rod is moving in a region of space where a uniform magnetic field of induction B pointing everywhere in positive direction is present. ठीक है। At a particular instant when rod makes an angle theta with positive x direction, ठीक है, कोई गलत, it is rotating with angular velocity omega as shown, ठीक है, and its center is moving with a velocity vc which is vx i cap vy j cap, ठीक, find the net force on the rod and net torque about the center of the rod at this instant, ठीक है, net force और net torque निकालना है। अब फोर्स निकालने के लिए क्या करते हैं आप, Q into V cross B करते हैं, बस यही काम आपको सोचना है कि Q into V cross B हम करेंगे। अब एक एक करके दोनों के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि क्या क्या हम, पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि फोर्स मतलब वेलोसिटी किसी पॉइंट का कैसे निकालते हैं, मतलब ऑब्जेक्ट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन में हो तो ट्रांसलेशन के लिए वी सबका सेम होता है एंड रोटेशन के लिए ओमेगा इंटू आर परपेंडिकुलर टू द पोजिशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ रोटेशन। तो पॉइंट ऑफ रोटेशन यहाँ पे तो सेंटर ही है, तो सेंटर से आप क्या करेंगे, सेंटर से आप क्या करो यहाँ पे सेंटर से उस पॉइंट को कनेक्ट करो जो चार्जेस हैं और उसके परपेंडिकुलर ओमेगा इनटू आर लगा लो। तो अगर आप देखोगे तो इन वेलोसिटीज को अगर मैं मार्क करूं यहाँ पे इस डायग्राम में ही मार्क कर रहे हैं, देखो तो पहले मैं वेलोसिटी रोटेशन का मार्क कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रांसलेशन वाला बाद में मार्क कर लेंगे। तो ये रोटेशन की ओमेगा इनटू एल बाय 2 आएगी और वही रोटेशन की ओमेगा इनटू एल बाय 2 इसमें इस तरफ आएगी, देखो दिख रही है आपको ओमेगा इनटू एल बाय 2 दिख रही है। हाँ सर। ये सिर्फ और सिर्फ रोटेशन का मैंने मार्क किया है, दिस इज सिर्फ और सिर्फ रोटेशन, बट ट्रांसलेशन वाला भी तो सबके पास होगा। तो ट्रांसलेशन वाले भी का दो कंपोनेंट, एक vx एक vy, उसको सिंपली इस पे सुपर इम्पोज कर दो, तो ये vx और ये vy, सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे, ये vx और ये vy, क्लियर है सबको यहाँ तक? क्लियर है, ठीक है, वेलोसिटीज अभी मार्क किया, ये क्लियर है सभी को? यस सर। अब इंडिपेंडेंटली इन सारे कंपोनेंट्स पे, मतलब vx पे, vy पे एंड ओमेगा l/2 पे, इंडिविजुअली q into v cross b करते जाओ, इंडिविजुअली सब पे, ठीक है, एक बार सबके लिए करो। आप एक चीज नोटिस करोगे तो vx और vy दोनों चार्जेस के लिए कॉमन है ना, है या नहीं है? हाँ सर। अगर vx और vy दोनों चार्जेस के लिए कॉमन है तो q into vx cross b करो और माइनस q into vx cross b करो, डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा या नहीं आएगा? आएगा
क्योंकि वो नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स का डायरेक्शन उल्टा कर देगा। समझ आ रही है आपको? यस सर। अभी Vy के लिए कैलकुलेट करें, Q into Vy क्रॉस B करो, Vy क्रॉस B राइट की तरफ आ रही है, ये है Q into Vy into B, ठीक है? और यही अगर नेगेटिव चार्ज पे कैलकुलेट करोगे तो इधर लेफ्ट की तरफ आ जाएगा, दिस विल बी Q into Vy into B। तो अगर आप देखोगे तो QVX B निकालो या QVY B निकालो, वेक्टर सम उनका जीरो ही है। अब बचा है ओमेगा एल बाई टू। अब ओमेगा एल बाई टू के लिए सोचो, पॉजिटिव चार्ज का ओमेगा एल बाई टू और नेगेटिव चार्ज का ओमेगा एल बाई टू ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना? Opposite. है ना? Yeah. अब चार्ज हम क्या करते हैं, क्यू इंटू वी क्रॉस बी करते हैं, चार्ज भी पोलैरिटी में ऑपोजिट हो गया और वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उल्टा हो गया, तो दो बार अगर नेगेटिव लगा दिया आपने तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेम हो जाएगा ना दोनों पे, आएगा होगा सर। इसका मतलब यहां से अगर आप देखोगे, अगर यहां से आपने देखा तो देखो Q into V cross B पहले कर रहे हैं, omega L by 2 के लिए V cross B लगा रहे हैं, ठीक है? तो omega L by 2 इस तरफ है and B बाहर की तरफ है, तो V cross B किया thumb आपका along the length of the rod है, तो ये वाली फोर्स को हम यहां पे दिखा सकते हैं, ये along the length of the rod आएगी and this will be Q into omega L by 2 and into B आएगी, and यही चीज अगर negative charge पे निकालोगे वापस से ये भी आपके along the length of the rod आएगी, reason already आपको बताया, Q into omega L by 2 into B। समझ आई आप सबको? समझ आई है? तो देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी सारे फोर्सेस को मार्क कर दिया। अब डायग्राम देख के आप खुद ही ये बता दो नेट फोर्स क्या आ रहा है, क्यू वी एक्स बी एंड क्यू वी वाई बी, उनका तो सम जीरो हो गया। तो नेट फोर्स कितनी आ रही है, व्हाट इज द नेट फोर्स, क्यू इंटू ओमेगा एल बाई टू इंटू बी एंड प्लस क्यू ओमेगा एल बाई टू इंटू बी, विच इज बेसिकली क्यू ओमेगा एल इंटू बी आ रही है। समझ आ रही है आपको? एंड ये किस तरफ है, दिस इज अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड, है ना? हाँ सर। राइट, अलोंग द लेंथ ऑफ रॉड, या फिर आप ये भी कह सकते हो अलोंग द डाइपोल मोमेंट, कह सकते हैं क्या, कह सकते हैं क्या इसको? यस सर। देखो डाइपोल मोमेंट इसमें अगर आप देखोगे तो चार्ज इंटू लेंथ करो तो उससे आपको डाइपोल मोमेंट ही तो मिल जाएगा, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि नेट फोर्सेस, ऐसे लिख सकते हैं एफ नेट जो है दैट इज बेसिकली डाइपोल मोमेंट पी विच इज क्यू एल इंटू ओमेगा इंटू बी लिख सकते हैं, और अगर वेक्टोरियली लिखना है तो उसको पी वेक्टर भी लिख सकते हैं यहां से, वेयर पी वेक्टर इज क्यू इंटू एल अलोंग द फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, दैट्स इट। समझ आई? अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज जो है वो देखने लायक वो ये है कि नेट फोर्स जो है कभी भी एक डायपोल पे अगर आप नेट फोर्स निकालोगे तो ट्रांसलेशन की वजह से कभी नहीं आएगी मैग्नेटिक फील्ड में, किसकी वजह से आएगी, रोटेशन की वजह से, क्योंकि ट्रांसलेशन में प्लस क्यू का जो वेलोसिटी होगा और माइनस क्यू का जो वेलोसिटी होगा दोनों सेम होगा, और क्यू इंटू वी क्रॉस बी अगर दोनों के लिए करेंगे तो एक प्लस क्यू का वी क्रॉस बी जो आएगा और माइनस क्यू का वी क्रॉस बी जो आएगा दोनों हमेशा क्या होगा, इक्वल एंड ऑपोजिट ही तो आएगा ना। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो ये चीज का ध्यान रखेंगे कि एक डायपोल पे अगर आप एक डायपोल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में फेंकते हो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के साथ, सो नेट फोर्स कभी भी ट्रांसलेशन की वजह से नहीं आती है, आप सिंपली रोटेशन की वजह से आप निकाल सकते हैं, एंड उसका रिजल्ट ऑलरेडी लास्ट में मैंने दिखा दिया ये क्या आएगा, उसको एक स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरह याद भी रख सकते हैं, या वैसे ऐसा कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आप मतलब क्वेश्चन तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो ये तो हमने फोर्स निकाल लिया, इस बार टॉर्क निकालते हैं। इस बार देखो रोटेशन की वजह से जो वेलोसिटी का कंपोनेंट पे फोर्स हमने निकाला है Q ओमेगा L by 2, देखो वो सेंटर ऑफ मास के थ्रू पास करता हुआ है, दोनों फोर्स देखो Q ओमेगा L by 2 नीचे वाले एंड पे देखो और Q ओमेगा L by 2 ऊपर वाले एंड पे देखो, देखो वो सेंटर के थ्रू पास कर रही है नहीं कर रही है, कर गया सर। हाँ, इसका मतलब रोटेशन का जो इफेक्ट है, क्या रोटेशन मतलब एंगुलर वेलोसिटी जो हमने दिया है क्या उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा है, क्या उसकी वजह से कोई टॉर्क आएगा, रोटेशन का जो फोर्स आया उस फोर्स की वजह से क्या कोई टॉर्क है, नहीं है, नहीं है। देखो ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से नेट फोर्स नहीं था और एंगुलर वेलोसिटी की वजह से कोई नेट टॉर्क नहीं है, ये उल्टा है, दिख रहा है सिनेरियो थोड़ा सा, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से नेट फोर्स नहीं है और रोटेशनल एंगुलर वेलोसिटी की वजह से कोई नेट टॉर्क नहीं है, तो टॉर्क किसकी वजह से आ रही है, किसकी वजह से टॉर्क आ रही है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी की वजह से। समझ आ रही है आप सबको? हाँ सर। अब ट्रांसलेशनल वेलोसिटी का टॉर्क निकालें तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आप परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस मार्क करो, ये वाली देखो कपल ऑफ फोर्सेस तो है ही,
ये वाली डिस्टेंस है एल साइन थीटा और ये वाली डिस्टेंस है एल कॉस थीटा. ये देखो दिस डिस्टेंस इज एल कॉस थीटा. ठीक है, तो अभी देखो क्यू वी वाई इंटू बी वाला जो फोर्स है उसका टॉर्क भी देखो क्लॉकवाइज आ रहा है और Q into Vx into B वाला जो फोर्स है उसका टॉर्क भी देखो क्लॉकवाइज आ रहा है. तो दोनों क्लॉकवाइज टॉर्क है तो क्या होंगे, एडअप हो जाएंगे ना, होंगे होंगे ना. हाँ सर. तो ये आपकी टॉर्क आ जाएगी, दिस इज द टॉर्क, नेट टॉर्क आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रही है. सो देयरफॉर नेट टॉर्क इज, नेट टॉर्क निकालनी है तो Q into Vy into B एंड इसके साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है L sin theta n plus q into vx into b and इसके साथ perpendicular distance is l cos theta. That's it. And ये पूरा का पूरा टॉर्क आपकी क्लॉकवाइज आई है, ये मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे. अगर इसको रीअरेंज करना चाहते हैं तो रीअरेंज कर लीजिए, q b and q b into l कॉमन आउट हो जाएगा और यहाँ से vy sin theta and plus यहाँ से vx cos theta आ जाएगा and इसके साथ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क आ रही है. ठीक है, अगर आप एक चीज फिर से देखोगे यहाँ पे तो Vx cos theta and Vy sin theta क्या है, देखो Vx, ये देखो ये था हमारा Vx, ये था Vx और ये था Vy. अगर मैं पूछता कि इन दोनों वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लेंथ ऑफ द रॉड कितनी है तो क्या लिखते आप, Vx का cos theta and plus Vy का sin theta लिखते या नहीं लिखते. हाँ सर. इसका मतलब वेलोसिटी का जो नेट कंपोनेंट अलोंग दी लेंथ ऑफ दी रॉड है उसको आप बस मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे QBL के साथ. तो इसको ऐसे लिख सकते हो आप, दिस इज QBL मल्टीप्लाइड विथ वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रॉड अलोंग दी लेंथ ऑफ दी रॉड एंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज. ये तो मैग्नीट्यूड के लिए आपने किया एंड इसके साथ क्लॉकवाइज आपने मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेट टॉर्क मिल गया. इसको रिजल्ट की तरह रटने का जरूरत नहीं है बट कंसेप्ट को याद रखना कि कंसेप्ट हमने क्या किया है. ट्रांसलेशन की वजह से कोई नेट फोर्स नहीं आता एंड रोटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से कोई नेट टॉर्क नहीं आता. ठीक है, ये कंसेप्ट याद रहेगा आपको. रहेगा सर. हाँ सर. ठीक है, इसको मैं मेंशन भी कर दे रहा हूं ताकि आपको याद रहे बाद के लिए. इफ an electric dipole is projected with translational plus rotational motion in a uniform magnetic field, then पहला there is no net force due to translation of object. यार translational velocity लिख सकते हैं आप इसको, translational velocity of center of mass. It is only due to angular velocity given to the dipole. And दूसरी चीज है there is no net torque due to rotational motion will be only due to translational motion. That's it. ये कंसेप्ट को आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. ये अगेन काफी सुंदर सा क्वेश्चन है, आप पढ़िए एक बार रीड आउट करिए.
A rigid ring is made to roll along the ceiling of a room where exists a uniform horizontal magnetic field of induction B perpendicular to the plane of the ring. The velocity of the center of the ring is constant and its modulus is V. Matlab velocity ka magnitude de diya. And radius R of the ring, a charged particle P of mass M is fixed on the ring. Charged particle P, matlab bead ki tarah. बीड को देखो उसमें बीड मतलब मोती की तरह मोती को रिंग के ऊपर लगा दिया है. व्हाट शुड बी द चार्ज क्यू ऑन द पार्टिकल एंड द रेडियस ऑफ द रिंग सो दैट देयर इज नो फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन द रिंग एंड द पार्टिकल. रिंग और पार्टिकल के बीच में कोई फोर्स ऑफ इंटरैक्शन नहीं चाहिए, मतलब नॉर्मल रिएक्शन वहां पे एग्जिस्ट नहीं करेगा. तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है. अब इसके लिए उसने चार्ज पूछा है और रेडियस ऑफ रिंग पूछा है, दो चीजें उसने निकालने के लिए बोली है. गिवन डेटाज में आपके पास क्या है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो चीजें आपको दे रखा है. अच्छा मास भी दे रखा है. वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड मास, ये गिवन डेटाज हैं. दीज आर गिवन एंड आपको चार्ज एंड रेडियस ये आपको फाइंड करनी है. दीज आर टू बी फाउंड, ठीक है. और ये चीज का ध्यान रखेंगे, जैसे नो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन रिंग एंड पार्टिकल का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली आपको क्या लेना है? जीरो लेना है. समझ आ रही है आपको? क्योंकि वही तो आएगा यहाँ पे. फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन की तो फ्रिक्शन को हम निगलेक्ट करके चल रहे हैं, तो फ्रिक्शन होगा भी नहीं. तो यहाँ नॉर्मल रिएक्शन को सिंपली आपको इग्नोर करके चलना है, ठीक है. अब ये सोचें कि इस पार्टिकल का तब एक्सेलरेशन होगा या नहीं होगा. विल दिस बी एक्सेलरेटेड और नॉट? अब देखो, आपको पहला चीज ये स्ट्राइक करना चाहिए कि कब ये पार्टिकल का इसके साथ कोई फोर्स ऑफ इंटरेक्शन नहीं होगा. नॉर्मल रिएक्शन भी जीरो है एंड फोर्स फ्रिक्शन भी ऑब्वियसली जीरो होगा, क्योंकि मतलब दो आपको पता है कि फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू मेटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट जब कॉन्टेक्ट में होते हैं तो दो फोर्सेस लग सकते हैं वहां पे, मतलब कॉम्पोनेंट फोर्सेस लग सकते हैं. एक पैरेलल टू सर्फेस जिसको फ्रिक्शन कहते हैं एंड एक परपेंडिकुलर टू सर्फेस जिसको नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं. तो दोनों ही बेसिकली यहाँ पे क्या है? जीरो कह रखा उसने. तो दोनों जीरो होने का पॉसिबिलिटी तभी है जब जो बीड का जो पॉइंट है, बीड का जो वेलोसिटी होगा, रहा था मैं ये बोलूं, बीड का जो वेलोसिटी होगा और रिंग का सर्कमफेरेंस का वो जो पॉइंट है जहां पे वो बीड लगा हुआ है उसकी वेलोसिटी अगर दोनों सेम होगी, तो फिर उस केस में दोनों के बीच में कोई कांटेक्ट कहीं पे भी नहीं बनेगा या रिलेटिव मोशन आपका नहीं होगा. जैसे ये सोचो कि अगर मैं ये बोलूं कि ये मेरा हैंड है, सोचो ये मेरा हैंड है, सोचो ये हैंड है एंड यहाँ पे ये रिंग है, ठीक है. अब ये रिंग को इसके साथ सोचो कि मैंने इसके साथ बांध रखा है, ठीक है. अब सोचो कि अगर मेरा ये जो रिंग है, अगर रिंग सोचो कि एक सर्टन डायरेक्शन में जाता है और ये और अगर बीड भी उसके साथ सेम वेलोसिटी से जाए, तो उस केस में क्या उनकी कोई रिलेटिव मोशन होगी? नहीं होगी सर. अगर रिलेटिव मोशन होगा तब यहाँ पे फ्रिक्शन जनरेट हो सकता है, सोचो. समझ आ रही है आपको? ये देखो यहाँ पे रिलेटिव मोशन होगा तो फ्रिक्शन जनरेट होगा, ये कहेंगे? हाँ सर. ठीक है, तो वो एक पॉसिबिलिटी रूल आउट हुआ. दूसरा सोचो, नॉर्मल रिएक्शन कब जनरेट हो सकता है? सोचो, अभी देखो थोड़ा सा गैप में दिखा रहा हूँ. अगर इमेजिन करो कि ये दोनों एक साथ इधर चले तो उनके बीच में कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा. बट अगर इमेजिन करो कि ये अगर थोड़ा ज्यादा वेलोसिटी से जाने की कोशिश करे, यहाँ से ऐसे जाने की कोशिश करे, तब यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जनरेट होगा. समझ आ रही है आपको? होगा सर, समझ आ रही है. तो ये भी नहीं होना चाहिए. इसका मतलब एक चीज तो पक्का है, ये बीड जो है, ये बीड की जो वेलोसिटी है, ये बेसिकली उस सर्कमफेरेंस के पॉइंट के वेलोसिटी से मैच करनी चाहिए, ठीक है. तो यहां से अगर मैं ऐसे सोचूं तो इसकी वेलोसिटी अगर मुझे मार्क करनी होती तो वेलोसिटी कैसे मार्क करते? ट्रांसलेशन का वी आएगा, ही आएगा, ये ट्रांसलेशन का वी होगा एंड रोटेशन के लिए ओमेगा इनटू आर, ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा. ये देखो ये ओमेगा इनटू आर, आ रही बात समझ में आपको? एंड सिंस ये प्योर रोलिंग का केस है फिक्स सरफेस पे, तो वी इक्वल टू ओमेगा तो होना ही है या नहीं है? हाँ सर, दिस इज प्योर रोलिंग कंडीशन, प्योर रोलिंग कंडीशन है, ठीक है. अब इन पे इंडिविजुअली फोर्सेस आप लगा लो, क्या क्या फोर्सेस में लग रहे हैं, ठीक है. एक बार फोर्सेस दिखा देते हैं. तो फोर्सेस क्या लगेगी? एक mg लगेगी, दिस इज mg व्हिच इज वर्टिकली डाउनवर्ड्स. अब q इनटू v क्रॉस b करो, q इनटू v क्रॉस b ऊपर की तरफ आ रही है, दिस इज q vb. और अब एक ओमेगा r वाला जो v है उसके ऊपर q इनटू v क्रॉस b करो, तो उसके ऊपर q इनटू v क्रॉस b करोगे तो देखो सेंटर की तरफ आ रहा है, दिख रहा है आपको? ये हो जाएगा q इनटू ओमेगा r इनटू b, आ रही बात समझ में आपको? Yes, sir. ठीक है, तो फोर्सेस देखो मैंने दिखा दिया यहाँ पे, तीन फोर्सेस दिखा दी जो पिंक कलर से, वो तीन फोर्सेस आपको दिखा रखे हैं. अब पहले ये सोचो कि इस बीड का एक्सेलरेशन क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ द बीड. तो एक्सेलरेशन ऑफ बीड एग्जैक्टली वही होना चाहिए जो सर्कमफेरेंस के पॉइंट का एक्सेलरेशन है, तभी वो, सॉरी,
तभी वो क्या कर सकता है, उसको फॉलो कर सकता है, उस पाथ को फॉलो कर सकता है। क्योंकि अगर उसके पाथ को सोचो, बीड जो है अगर रिंग के ऊपर हमेशा वहां पे एक साथ चलता रहे, मतलब जैसे जैसे उसका पॉइंट जो है, मतलब बीड का जो सर्कमफेरेंस का पॉइंट है वो वाला जैसे जैसे मूव कर रहा है, अगर बीड भी वैसे मूव करे तब उनके बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। आपको बताया अभी, समझाया ना दोनों मोशन के साथ, समझ आया था आपको? अगर सर्कमफेरेंस का पॉइंट, मतलब जो रिंग का सर्कमफेरेंस का पॉइंट है और बीड का जो वेलोसिटी है, अगर वो हमेशा आप चाहते हो एक ही रहे, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी आपको हमेशा एक ही रखना पड़ेगा। तो आपको ये सोचना है कि बेसिकली बीड की एक्सेलरेशन क्या आएगी। तो बीड की एक्सेलरेशन वही होगी जो आपकी सर्कमफेरेंस के पॉइंट की एक्सेलरेशन होगी। अब वो कितनी है वो सोचो। तो प्योर रोलिंग में आपको पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर हम अपने फ्रेम को फिक्स करके देखें, सेंटर ऑफ मास अनएक्सेलरेटेड पॉइंट है आपको पता है, तो सेंटर ऑफ मास पे अगर हम अपने फ्रेम को फिक्स कर दें, तो सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आएगी वही एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम पे भी आएगी ना, आएगी। आपको समझ आ रही है? जो भी एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में आएगी वही एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में भी आएगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास इज अनएक्सेलरेटेड। तो अगर मैं सेंटर ऑफ मास पे बैठ जाऊं, अब क्या मुझे ट्रांसलेशन दिखेगा इस रिंग का? विल आई सी एनी ट्रांसलेशन ऑफ दिस रिंग? नहीं दिखेगा सर। अब क्या दिखेगा? सिर्फली यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन दिखेगा। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट के पास कौन सा एक्सेलरेशन होता है? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपेटल। और वो कितनी होती है? ओमेगा स्क्वायर इनटू आर। हां सर, राइट। इसका मतलब बीड का भी एक्सेलरेशन आपको पता चल गया कितना होना चाहिए आपका, ओमेगा स्क्वायर इनटू आर होना चाहिए, एंड दैट शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। डिड यू गेट इट? डिड यू गेट एवरीबॉडी? ठीक है, सिंस COM इज अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड, द एक्सेलरेशन ऑफ द पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस, पॉइंट P ऑन सर्कमफेरेंस विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास इज ऑल्सो इट्स एक्सेलरेशन With respect to ground, ठीक है। अब इसका मतलब हमने ये कैलकुलेशन कर लिया, देयरफॉर एक्सेलरेशन ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज ओमेगा स्क्वायर आर टुवर्ड्स टुवर्ड्स COM, ठीक है। अब बस डायनामिक्स का इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है तो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कोई एक्सेलरेशन आएगा? आएगा क्या? नहीं सर। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं ना कि एक्सेलरेशन ऑफ पी टुवर्ड्स द सेंटर या एक्सेलरेशन ऑफ पी अलोंग द टेंजेंट, ये कितनी आएगी? जीरो आएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ही है, तो अलोंग द टेंजेंट जीरो आएगी। इसका मतलब नेट फोर्स टुवर्ड्स दिस टेंजेंट भी क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए ना। तो नेट फोर्स टुवर्ड्स द टेंजेंट निकालो कितनी आएगी, देखो एक बार डायग्राम में। एक काम करते हैं, यहां से कुछ एंगल एंगल वगैरह मान लेते हैं, दिया नहीं है बट मैं मान लेता हूँ, इधर से दिस एंगल इज थीटा हो गया, ठीक है, दिस एंगल इज थीटा, सो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, एंड ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। तो mg का कंपोनेंट इधर जो आएगा, दैट विल बी mg sin थीटा, एंड qvb का जो कंपोनेंट आएगा, दैट विल आल्सो बी qvb sin थीटा, qvb sin थीटा, एंड mg का कंपोनेंट टुवर्ड्स द सेंटर अवे फ्रॉम द सेंटर आएगा mg cos थीटा, एंड qvb का जो कंपोनेंट आएगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट विल बी qvb cos थीटा। देखो आपको समझ आ रही है डायग्राम, समझ आया सभी को? डायग्राम समझ आया सभी को? यस सर। यस, सो अभी नेट फोर्स अलोंग द टेंजेंट जीरो कर रहे हैं, तो क्यूवी भी साइन थीटा एमजी साइन थीटा को मैच करना चाहिए, सो देयरफॉर क्यूवी भी साइन थीटा should match with mg sin theta. Sin theta, sin theta cancel out हो गई, and देखो यहां से आपको velocity की value मिल गई है, velocity तो नहीं दिया हुआ था हमें, velocity दिया हुआ था क्या?
हाँ वेलोसिटी दिया हुआ था, तो हमें क्यू चाहिए था ना, हाँ क्यू चाहिए था, क्यू निकाल लिया हमने, तो क्यू की वैल्यू देखो आ गई है एम जी बाई वी बी, दिख रही है आपको? तो ये पहला आंसर निकल चुका है, दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, अब दूसरे आंसर पे पहुंचे, अब रेडियस निकालना है, ठीक है? तो इस बार नेट फोर्स वर्सेस सेंटर ले रहे हैं, तो q into omega r into b and plus qvb cos theta is equal to, sorry, minus mg cos theta equal to m into omega square r, ये निकालेंगे, ठीक है? तो नेट फोर्स वर्सेस सेंटर अब निकाल रहे हैं। नाउ टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर, इसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा q into omega r को v लिख लिया मैंने, ठीक है, q qvb, sorry, qvb plus qvb cos theta minus of mg cos theta and that will be equal to m into omega square into r, या फिर इसी को आप लिख सकते हैं m into v square by r, लिख सकते हैं सर, लिख सकते हैं? हाँ सर। अब देखो ये इसके ऊपर हमने ऑलरेडी निकाला है कि qvb का वैल्यू mg है, तो अगर qvb का वैल्यू mg है तो qvb cos theta और mg cos theta कैंसिल आउट हो जाएंगे, दिख रही है आपको? दिख रही है? होंगे सर। तो आपके पास इक्वेशन क्या बचा आपके पास? qvb is equal to mv square by r, यहां से v और v भी कैंसिल आउट हो गया और r की वैल्यू आपको मिल गई है mv divided by qb हो जाएगा, दिख रही है आपको? हाँ सर। और q का वैल्यू आप निकाल चुके, उसको यूज कर सकते हैं, तो इसको mv divided by q का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, तो mg by vb लिखना था एंड इसके साथ b को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये b और b कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बच रहा है आपके पास v square divided by g, आ रही है, दिख रही है? रेडियस आपकी v square by g के इक्वल होनी चाहिए, क्लियर? यस सर। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। A particle of charge plus q and mass m is projected with a velocity v naught I cap from origin in a non-uniform magnetic field given by b vector equal to minus b naught x k cap, where x represents the x coordinate of the point where the magnetic field is to be considered. Find maximum x coordinate. Maximum x coordinate कितनी होगी वो आपको find out करनी है, ठीक है? एक बार डायग्राम जस्ट दिखा देते हैं कि इसका डायग्राम सिचुएशन क्या वाइज कैसा दिखने वाला है हमें। ये x कोऑर्डिनेट, ये y कोऑर्डिनेट, यहां से चार्ज को प्रोजेक्ट किया वेलोसिटी v नॉट के साथ, पॉजिटिव चार्ज है प्लस q कॉमा m दे रखा है एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अंदर की तरफ है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में तो अंदर की तरफ ही है एंड ये b वेरिएबल है, x जैसे जैसे बढ़ता जाएगा फील्ड भी आपका बढ़ता जाएगा, तो q इंटू v क्रॉस b करोगे तो दिखेगा आपको कि ये डिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ आने वाला है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ, तो ये कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट कर जाएगा, तो क्लियरली दिखेगा आपको कि इस केस में सिंस मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही है, अब मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, आपको ये पता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी स्पीड चेंज नहीं कर सकती है, तो आपको पता ही है, पता है ना आपको? हाँ सर। ठीक है, स्पीड आप कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से चेंज नहीं कर सकते, तो इसका मतलब ये होगा कि जब ये डिफ्लेक्ट कर रहा होगा ऐसा, तो फिर y डायरेक्शन का वेलोसिटी आपका इंक्रीज करता जाएगा, x डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करता जाएगा, दिख रहा है आपको, समझ आ रही है? हाँ सर। इसकी वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड आप किसी भी वक्त निकालोगे तो v नॉट ही आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कभी भी आप स्पीड में चेंज नहीं ला सकते हैं, फोर्स आपको हमेशा इसमें परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी मिलेगा, क्योंकि q into v cross b करके ही आप फोर्स निकालेंगे, तो इससे आपको ये क्लियरली दिखेगा कि x डायरेक्शन का वेलोसिटी आपकी डिक्रीज करती जाएगी और y डायरेक्शन का वेलोसिटी आपका इंक्रीज करता जाएगा इसमें इनिशियली, क्योंकि इसमें देखोगे तो आपका फोर्स का ही कंपोनेंट, मतलब इसको अगर ऐसे दिखा दिया एंगल थीटा, तो इधर से भी ये थीटा आ जाएगा, तो ये f cos थीटा और ये f sin थीटा, आप देखो डायग्राम देख के आपको समझ आ जाएगा, तो f sin थीटा की वजह से स्पीड vx का जो कंपोनेंट है x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वो डिक्रीज करेगी एंड f cos थीटा की वजह से y डायरेक्शन की कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी, समझ आ रही है? हाँ सर। स्पीड कैन नेवर चेंज ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये पहली कंसेप्ट है, ये चीज ध्यान रखेंगे आप, ठीक है, ये कभी भी चेंज नहीं कर सकते। दूसरी चीज जो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हो कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी डिक्रीज करेगी इनिशियली एंड y डायरेक्शन की वेलोसिटी आपकी इंक्रीज करेगी, ठीक है, तो जहां पे मैक्सिमम एक्सपोनेंट की बात कर रहे हैं वहां पे सिचुएशन कैसा होगा, एक बार सोच के बताऊंगा। जब ये ऐसा सोचो होगा, ऐसा ये ऐसा टर्न भी तो कर जाएगा ना कभी,
हाँ सर आपको बात समझ आ रही है? तो जहां पे मैक्सिमम एक्सपोर्टनेट होगी वहां पे सिनेरियो कैसा दिखेगा? स्पीड तो ऐसी दिखनी है, ये वेलोसिटी तो आपकी मैग्नीट्यूड में वी नॉट ही रहेगी। ये देखो ये एक्स मैक्स आएगा, देखो ये आपकी एक्स मैक्स होगी। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू जीरो हो गई है, कह सकते हैं क्या? हाँ सर। और जो वेलोसिटी वी नॉट है वही वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी हो चुकी है, कह सकते हैं सर? राइट यस सर। तो आपको बस यही कंडीशन को यूज करना है कि देखो इनिशियली एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी इज वी नॉट एंड वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी इज जीरो एंड फाइनली एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी बिकम जीरो एंड वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी बिकम्स वी नॉट। समझ आ रही है आपको? हाँ सर। टिल पार्टिकल रीचेस मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट देयरफॉर वी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट एट एक्स मैक्स। ठीक है, तो अब इसमें भी आपको वही सेम काम करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके फिर मोशन को एनालाइज करनी है। ठीक है, देखो वही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये चेक करो, इधर वी एक्स होगा, इधर वी वाई होगा। मैंने आपको बोला था दोनों पे इंडिविजुअली, आप दोनों कॉम्पोनेंट पे अलग अलग फोर्सेस ही कंसिडर कर लो। तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी करो, तो इधर पे आपको आएगा क्यू इंटू वी एक्स इंटू बी, ये एफ कॉस थीटा बेसिकली वही है। ठीक है, एफ कॉस थीटा ही बेसिकली क्यू वी एक्स इंटू बी आएगा। एंड ये जो एफ साइन थीटा हमने दिखा रखा है, एफ साइन थीटा, एक मिनट रुकेगा, एफ साइन थीटा जो हमने दिखा रखा है वही बेसिकली आपका क्यू इंटू वी वाई इंटू बी आएगा। देखो चेक करो, समझ आ रहा है आपको? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, क्यू इंटू वी एक्स क्रॉस बी वही आपका एफ कॉस थीटा है, क्यू इंटू वी वाई क्रॉस बी वही आपका एफ साइन थीटा है। ठीक है, अब दोनों का अलग अलग इक्वेशन लिखेंगे, तो हम लिख सकते हैं क्यू इंटू वी एक्स इंटू बी That is equal to mass multiplied by acceleration along y-axis. And इसको लिख सकते हैं mass into dvy divided by dt. लिख सकते हैं, और vx को वापस से लिखें तो इसको लिख सकते हैं q into vx को लिखेंगे dx by dt. And b की वैल्यू उसने दे रखी थी b not into x, तो b not into x लिखा. And that will be m into dvy, sorry, m into dvy and divided by dt. dt देखो यहाँ से cancel out हो जाएगा, तो dt को हटा देते हैं. तो यहां से मिल रही है क्यू बी नॉट इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू डी वी वाई। अब इसको इंटीग्रेट कर लो, जीरो से लेके एक्स मैक्स तक चाहिए, और ये वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी इनिशियली जीरो था एंड बाद में वी नॉट हो गया, तो इसको लिख सकते हैं आप क्यू बी नॉट इंटू एक्स मैक्स का स्क्वायर बाई टू एंड दैट विल बी इक्वल टू एम इंटू वी नॉट। सो देयरफॉर एक्स मैक्स आपको चाहिए था, एक्स मैक्स बिकम्स रूट अंडर ऑफ टू एम वी नॉट डिवाइडेड बाई Q into B naught, ये फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. अप्रोच देखो, समझ आ रही है आपको अप्रोच कैसे करना है इन सब क्वेश्चंस को? डिफरेंशियल इक्वेशंस फॉर्म कर रहे हैं, इस तरह का एक पहला क्वेश्चन भी दिखाया था, अब ये दूसरा इस तरह का क्वेश्चन दिखाया, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करके ही करना होता है। ये एक थ्योरी की तरह ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ, साइक्लोइडल पाथ आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में कैसे एग्जिस्ट होता है। अगर आपको कभी भी ऐसा सिचुएशन दिखता है जहां पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उसमें कभी किसी चार्ज का मोशन को एनालाइज करना है जो कि आपने रिलीज करके छोड़ रखा है, तो उसकी जो पाथ होती है वो साइक्लोइडल होती है। अब साइक्लोइडल का मतलब क्या है इसको मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी कोरिलेट करके आपको बताऊंगा, पहले इसका मोशन एनालाइज करना आपको सिखाते हैं। ठीक है, सिचुएशन ये है कि हमने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज है जिसको इनिशियली रेस्ट से रिलीज किया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो से हमने ओरिजिन से ही मान लेते हैं रिलीज कर दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ऊपर की तरफ अप्लाई कर रखा, मतलब वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रखा है, तो वाई डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उसको ऊपर की तरफ पुश करेगा। अब जैसे ही ऊपर की तरफ पुश करेगा, जैसे ही उसको एक वेलोसिटी मिल गई, सोचो इस डायरेक्शन में एक वेलोसिटी मिली, थोड़ा सा ये यहां पे पहुंच गया, सोचो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी आ गई है, तो अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स उस पर लगेगा क्यू इंटू वी क्रॉस बी, तो क्यू इंटू वी क्रॉस बी अगर निकालोगे तो देखो इधर आएगा, क्यू वी भी इधर आएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा, ये इधर डिफ्लेक्ट करेगा नहीं करेगा? समझ आ रही आपको? ठीक है, तो इसीलिए इसकी पाथ जो है थोड़ी सी कर्व तो हो ही जाएगी। अब ये एग्जैक्टली कैसा वेरिएशन है इसको एनालाइज करने के लिए मैं थोड़ी देर के बाद इसका वेलोसिटी देखो दिखा रखा है,
वो वेलोसिटी को मैंने कंपोनेंट वाइज एक vx और एक vy दिखा रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पे फोर्सेस एक बार एनालाइज करते हैं कि क्या क्या फोर्सेस में ऐड कर रहे हैं। तो पहला फोर्स जो इस पे ऐड कर रहा होगा वो आपका QE का, तो QE दिखा दिया। अब मैग्नेटिक फील्ड का फोर्सेस भी दिखाते हैं, तो Q into V cross B करो, B आपका बाहर की तरफ है, तो Vx cross B करोगे तो आपका नीचे की तरफ आएगा फोर्स, तो इसको लिख सकते हैं Q into Vx into B। फिर अगर आप x y डायरेक्शन की वेलोसिटी पे Q into V cross B करोगे तो y डायरेक्शन का वेलोसिटी ऊपर की तरफ है एंड मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है ऐसे, तो V cross B V cross B अगर करोगे आप तो इधर की तरफ आ रहा है, राइट की तरफ आ रहा है, तो राइट की तरफ आप फोर्स दिखाओगे इस पे इधर आएगा, सो दिस विल बी Q into Vy into B। तो इसमें आप देखोगे तो x डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है और y डायरेक्शन में भी एक एक्सेलरेशन जनरेट हो रही है, ay लिख सकते हैं इसको। तो अब इसमें इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं। तो पहला इक्वेशन हमारे पास बन रहा है qvy into b that will be equal to mass into acceleration along x axis, इसको लिख सकते हैं आप m into dvx by dt भी लिख सकते हैं। इसी को चाहो तो आप इस छोटे में आप vx डॉट भी लिख सकते हो। जब भी अगर किसी भी एक अल्फाबेट के ऊपर एक सिंगल डॉट लगाते हैं ना तो दैट इज यूज्ड फॉर सिंगल डेरिवेटिव, और अगर दो बार डॉट लगाते हो दैट इज यूज्ड फॉर डबल डेरिवेटिव। ये कन्वेंशन आपको पता है या नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो जान के जस्ट रखिए, ठीक है? जैसे कन्वेंशन है, मतलब अगर आप ये जस्ट कन्वेंशन की तरह याद रखिएगा। सर डैश भी होता है ना? डैश बहुत कम बुक्स फॉलो करते हैं, बट वो कर सकते हैं आप, ठीक है? बट मैंने जो देखा है कि जितने स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक फॉलो करते हैं वो डॉट के कन्वेंशन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? मतलब अगर मुझे अगर किसी ने वाई एफ डैश एक्स नहीं लिखता, लिख सकते हैं अच्छा, ठीक है, मैंने तो बोला लिख सकते हैं। तो अगर मैं y डॉट लिख रहा हूं तो इसको बेसिकली हम ये मीन करेंगे dy by dt है। अगर y डबल डॉट लिख रहा हूं मतलब हम ये लिख रहे हैं कि d2y by dt2 लिख रहे हैं, ठीक है? तो किसी के ऊपर भी एक डॉट लगाया मतलब सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर दो डॉट लगाया मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है? तो अभी फिलहाल के लिए मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब y डायरेक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, तो y डायरेक्शन की इक्वेशन के लिए लिखोगे तो qe माइनस ऑफ qvx into b is equal to mass into acceleration along x y axis, और इसको लिख सकते हो आप m into dvy by dt, या इसको इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो m into vy dot भी लिख सकते हो। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब एक बार आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करो, आपको एक पिक्यूलर सा चीज दिखेगा। और पिक्यूलर सा चीज क्या है कि फर्स्ट इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में तो vy है बट राइट हैंड साइड में vx है, सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में vx है और राइट हैंड साइड में vy है। तो फिर इस इक्वेशन को इस इक्वेशन को सॉल्व करना ऐसे इंडिपेंडेंटली मुश्किल है, मतलब ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। इंडिपेंडेंटली बोलूं तो आप नहीं कर सकते क्योंकि एक इक्वेशन में तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो जा रहा है, vx vy तो है ही और साथ में टाइम t भी तो इन्वॉल्व है ना, है या नहीं है? समझ आ रही है आपको? तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, vx vy एंड टाइम, तीन वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसीलिए आप इनको इस तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपको एक दूसरे के इक्वेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। मतलब इसमें आप क्या करो, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड में या सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट में आप यूज करने की कोशिश करो, ट्राई टू यूज देम, क्योंकि आप एक सिंगल वेरिएबल में आप हमेशा डिफरेंशियल इक्वेशन को लाने की कोशिश करते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, इस इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक बार, ठीक है? डिफरेंशिएट करेंगे इसको, टाइम कर सकते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हमें क्या मिलेगा, क्यू ई का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस ऑफ क्यू बी इंटू वी एक्स डॉट is equal to m into vy double dot, ऐसा लिखा जा सकता है? देखो तो लिखा जा सकता है। हाँ सर। अब इसको देखो, हम क्या हम इस वैल्यू को क्या हम फर्स्ट इक्वेशन में यूज करके क्या हम vx को एलिमिनेट कर सकते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं, ठीक है? सो यूजिंग दिस इन फर्स्ट इक्वेशन, using this in first equation, हमें मिल रही है q into vy into b is equal to m into vx dot substitute कर रहे हैं, ठीक है? vx dot, so that will be m into vy double dot and divided by qb. vy double dot मतलब क्या है? d second order derivative of y, d2 vy by dt2 is equal, अच्छा एक negative था, यहाँ पे एक negative था, so this is minus of qb by m and iska whole square and isko v into vy. देखो यार ये क्या equation familiar है आपके लिए? Are you familiar with this equation? Sir. क्या है equation? बताओ किस चीज का equation है ये? SHM. SHM का है,
है ना, किसी भी सेकंड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव उसी का नेगेटिव के साथ प्रोपोर्शन आता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसएचएम बोलते हैं नहीं बोलते हैं? आपको याद है डी टू एक्स बाय डी टी टू, ये एक्सेलरेशन होता था, ये माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इनटू एक्स लिखते थे, याद है आपको? हाँ सर। राइट, यहाँ पे एक्स बोलते थे सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है इस इक्वेशन को देख के, बट यहाँ पे अगर देखोगे तो सिमिलर इक्वेशन है यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे, यहाँ पे आप देखिए बोलोगे कि वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा है, बोलेंगे नहीं? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली उसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है? सो देयरफॉर कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड एसएचएम इक्वेशन वी कैन से दैट VY varies simple harmonically with respect to time. और कोई भी चीज अगर सिंपल हार्मोनिक वेरिएशन होती है तो उसका सोल्यूशन क्या आता है, साइनसोइडल फंक्शन होता ही नहीं होता है? हाँ सर। तो वी वाई को हम ऐसे लिख सकते हैं, वी वाई नॉट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव लिख सकते हैं, ठीक है? जहां पे वी वाई नॉट क्या इंडिकेट करेगा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी, एंड फाइव इनिशियल फेज के लिए इंडिकेट करेगा। आपको इनिशियल फेज किसी भी एसएचएम का पता है ना कैसे निकालते हैं, वो इनिशियल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है एसएचएम में तो उसका इनिशियल फेज क्या लेते हैं, जीरो लेते हैं या नहीं लेते? अगर एक्सट्रीम एंड से स्टार्ट करता है तो उसके इसमें इनिशियल फेज क्या करते हैं, पाई बाय टू लेते हैं, राइट? पाई बाय टू, हां सर। इसमें इनिशियली वो किस से स्टार्ट कर रहा है, देखो इनिशियली उसका वेलोसिटी कितना था, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी, देखो इनिशियली ओरिजिन से उसने क्या स्टार्ट किया था, रेस्ट से स्टार्ट किया था, जीरो रेस्ट। तो इसका मतलब है इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का जीरो होना चाहिए। अब इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन का जीरो तभी ना होगा जब फाइव ही जीरो होगा, समझ आ रही है? हां सर। ये फाइव को सर्टनली जीरो होना पड़ेगा, दिस विल बी जीरो, एंड रीजन क्या जस्टिफाई कर, सेंस इनिशियल वेलोसिटी यू वाई जो है ये आपका जीरो है, ठीक है? तो इससे आपको ये पता चल गया कि y direction की जो velocity है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, vy not into sine of omega t लिख सकते हैं। यहाँ पे omega क्या है? ये omega कितना था? याद है आपको? ये देखो equation क्या था? qb by m का whole square था, दिख रहा है? हाँ सर, qb by m ही है omega। qb by m ही आएगा, so omega की value जो आएगी that will be qb by m आएगी, ठीक है? ठीक है, ये omega का value है। अब इसमें vy not अब आपको निकालना है। vy not कैसे निकालोगे? इनिशियल कंडीशन देखो, अब अभी आपने एक यूज नहीं किया है, वो क्या है, एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस का। तो अगर एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस अगर निकालनी हो, सोचो ए वाई निकालनी हो, तो आप क्या करेंगे, डी वी वाई डिवाइडेड बाई डी टी करेंगे। तो इससे आपको क्या मिलेगा, वी वाई नॉट इंटू ओमेगा इंटू कॉस ऑफ ओमेगा टी लिख सकते हैं। इनिशियली देखो, इनिशियली जो एक्स डायरेक्शन में देखो जो फोर्स लग रही है, वाई डायरेक्शन में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, क्यू ई लग रही है, क्यू ई सिर्फ। इसका मतलब इनिशियल एक्सेलरेशन की अगर बात करें वाई डायरेक्शन में वो कितनी है, क्योंकि उस समय तो कोई वेलोसिटी नहीं था, तो इनिशियल एक्सेलरेशन लॉन्ग वाई एक्सिस क्यू बाय एम, तो उसको यूज करो। तो अगर मैं लिखूंगा यहां से, सो देयरफॉर इनिशियली एक्सेलरेशन मतलब ए वाई एट टी इक्वल टू जीरो लिख रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी क्यू ई बाय एम, एंड दैट हैज टू बी इक्वल टू वी वाई नॉट इनटू ओमेगा, लिख सकते हैं ऐसा, राइट? हां सर। तो लिख लें तो वी वाई नॉट इनटू क्यू बी बाय एम लिख लिया। अगर आप देखोगे तो vy not की आपको वैल्यू मिल गई, vy not is coming out to be e by b, मतलब y direction का जो velocity का maximum value है, that is basically e by b, तो इसलिए अब हम लिख सकते हैं velocity along y direction को e by b into sine of omega into t, समझ आई आपको? तो y direction का velocity ये क्या है, सिंपल हार्मोनिक फंक्शन है टाइम का, और ये y direction का velocity किस direction का velocity है, the direction in which electric field was applied, समझ आ रही है? समझ आ रही है आपको? इसका मतलब y direction में जो velocity होगा, ये basically zero से start किया, एक positive extreme पे जाएगा, फिर उसके बाद फिर you know positive extreme पे जाने के बाद फिर slow down होके फिर zero पे पहुंचेगा, and उसके बाद फिर वापस से नीचे की तरफ आएगा, मतलब negative के half में आएगा, नीचे आने का मतलब है negative आएगा, and negative velocity मतलब नीचे की तरफ ये बढ़ते 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 मतलब बढ़ते बढ़ते maximum पे पहुंचेगा, फिर आपका zero होगा, समझ आ रही है आपको? मतलब ऊपर नीचे ऐसे करता रहेगा, समझ आ रही है आपको? ऐसे ऐसे आ रही है समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है,
तो वाई डायरेक्शन मतलब जिस डायरेक्शन में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है उस डायरेक्शन में अगर आप वेलोसिटी देखोगे तो सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रही है, आपने पता कर लिया है, ठीक है। अब इससे देखो आप वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट्स भी इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड करोगे? इससे आपको ये तो पता चल गया कि वीवाई की वैल्यू जो है, वीवाई की वैल्यू ये ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ऑफ ई बाई बी है एंड लेस देन और इक्वल टू ई बाई बी है, ये चीज का ध्यान रखना, ठीक है। मतलब ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, मतलब वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी चेंजेस, डायरेक्शन ऑफ वाई वेलोसिटी चेंजिंग इज चेंजिंग, ठीक है। इससे आपने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया है, ये सब चीजें अभी आपको थोड़ी देर बाद समझाऊंगा इसका सिग्निफिकेंस क्या है जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। डायरेक्शन ऑफ वी वाई ऑल्सो चेंजेस, ठीक है, वह नेगेटिव देख के आपको पता चल रहा है, ये नेगेटिव देख के। अभी अब हम क्या कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी से अब हम पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे, वाई डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट्स। तो इसको लिख सकते हैं डी वाई इज इक्वल टू ई बाई बी इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर लें जीरो से लेके वाई तक और ये जीरो से लेके टी तक। तो इससे मिलेगा आपको वाई इज इक्वल टू ई बाई बी इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस या माइनस कॉस? माइनस कॉस, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस ओमेगा टी एंड जीरो से लेके टी तक इंटीग्रेशन का लिमिट डाल देंगे। तो ये वैल्यू आ रही है ई बाई बी, अच्छा ओमेगा बी डिवाइड होगा यहाँ पे, सो ये आएगी ई बाई बी एंड ओमेगा का वैल्यू डाल दें तो क्यू बी बाई एम है, तो क्यू बी बाई एम एंड इंटू वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो ये वैल्यू हो गई आपकी एम ई डिवाइडेड बाई क्यू बी स्क्वेयर इंटू वन माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी। ये देखो आपको वाई कोऑर्डिनेट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम भी मिल गई है, ठीक है, समझ आ गई सभी को? Yes, हाँ सर। कॉस का वैल्यू कहां से कहां तक रिस्ट्रिक्टेड है? माइनस वन से वन, माइनस वन से वन। तो वाई का वैल्यू कहां से कहां रिस्ट्रिक्टेड होगा? जीरो से टू, जीरो से टू टाइम्स ऑफ एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर, दिख रही है आपको? हाँ सर, है ना। इसका मतलब कि वाई कोऑर्डिनेट इसका रिस्ट्रिक्टेड, मतलब एक रेंज ऑफ वैल्यूज है ना जिसके बीच में लाई कर सकता है, अनबाउंडेड तो नहीं है, है ये नहीं है? हाँ सर। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे ऐसा करूं, इस जगह में अगर ऐसे करें, यहां सोचो मैं एक लाइन खींच दूं, ऐसा एक लाइन खींच दूं यहाँ पे, ये एक लाइन और ओरिजिन वाला मतलब एक्स एक्सिस तो एक लाइन है ही, ये वाली लाइन को अगर मैं बोल दूं दिस इज वाई मैक्स विच इज ट्वाइस ऑफ क्यू ई बाय एम बी स्क्वायर, ये था ना क्यू बाय एम बी स्क्वायर, अच्छा एम ई बाय क्यू बी स्क्वायर उल्टा है, एम ई बाय क्यू बी स्क्वायर, एम ई बाय क्यू बी स्क्वायर है, ठीक है, ये मैक्स में वाई कोऑर्डिनेट है। तो इसका मतलब पक्का है ये इसको क्रॉस करके तो नहीं जाएगा, जाएगा क्या इसको क्रॉस करके? नहीं। और दूसरा नहीं है जो एक्स डायरेक्शन का जो एक्स एक्सिस जो है वो उसको भी क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसके बीच में ही बेसिकली इसको ऊपर नीचे करना है, समझ आ रही है? आ रही है समझ आपको? इसके बीच में इसको ऊपर नीचे करना है, ठीक है। अब ये तो हमने वाई डायरेक्शन का मोशन को कंप्लीटली एनालाइज कर लिया, मतलब वाई डायरेक्शन का मोशन हमारा पूरा एनालाइज हो चुका है, वेलोसिटी सिंपल हार्मोनिकली वेरी कर रहा था और इससे हमने ये पता किया है कि वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा था, बट इससे ये देखा हमने कि वाई का जो कोऑर्डिनेट है, वाई डायरेक्शन का जो कोऑर्डिनेट है उस वो हमेशा पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में ही रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, और वो लिमिटेड है एक सर्टन वैल्यूज के बीच में जो कि जीरो से लेकर टू एम ई बाई क्यू बी स्क्वायर आई है, ठीक है। अब इसके आगे का बात करते हैं, ठीक है। सो इसमें मेंशन कर देता हूँ, वाई कोऑर्डिनेट इज रिस्ट्रिक्टेड, देयरफॉर वाई कोऑर्डिनेट is restricted between 0 and 2me by qb square, ठीक है। अब इस velocity, अब देखो vy मिल चुका है तो इससे हम vx easily निकाल सकते हैं, कैसे? देखो जो हमारा second equation है, अच्छा second equation है, देखो second equation को directly use करो तो देखो आपको vx मिल जाएगा, मिलेगा नहीं second equation को use करके, VY तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना, निकाला है ना हमने VY, तो VY अगर निकल चुका है तो ऑब्वियसली VY डॉट भी निकल चुका है क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ VY तो हम इजीली निकाल पाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन को यूज कर रहे हैं, देखो हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन को मैं वापस से वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, ठीक है।
So again, using equation 2. Equation 2. तो इसको लिख रहे हैं QE minus of Q into VX into B is equal to M into, अब VY का differentiation करना है. तो VY हमने निकाला था E by B and into sin omega T था. तो omega बाहर निकल जाएगा and sin का differentiation cos of omega T हो जाएगा. देखो आपको समझ आई है? हाँ सर. इसको लिख सकते हैं M E by B and omega को लिख रहे हैं QV by M and ये cos of omega T आ जाएगा. यहाँ से M M cancel out हो गया, ये B B भी cancel out हो जाएगा और यहाँ से QVX into B मिल रही है आपको, QE into 1 minus of cos of omega T आ रही है. तो यहाँ से आपको velocity का X component मिल गया है, this is Q cancel out हो जाएगी, E by B into 1 minus of cos of omega T. दिख रही है आपको? इस equation को देख के क्या पता चल रहा है? क्या वाई डायरेक्शन का डायरेक्शन का भी चेंज, सॉरी एक्स डायरेक्शन का जो वेलोसिटी है इसका डायरेक्शन का भी चेंज हो रहा है? नहीं, क्योंकि वीएक्स पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, दिख रहा है आपको? यस सर. राइट, सो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वीएक्स नेवर चेंजेस और अगर किसी भी डायरेक्शन में वेलोसिटी कभी चेंज नहीं हो रही है तो क्या उस डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट कभी बाउंडेड हो सकती है या अनबाउंडेड होगी? अगर एक डायरेक्शन में कभी भी वेलोसिटी डायरेक्शन में कभी चेंज हुआ ही नहीं, अनबाउंडेड होगी, तो लगातार तो बढ़ता ही जाएगा ना वो कोऑर्डिनेट, आपको समझ आ रहा है? सो देयरफॉर एक्स कोऑर्डिनेट कैन नेवर बी बाउंडेड, एक्स कोऑर्डिनेट इज अनबाउंडेड मतलब इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग, दैट इज It will keep on increasing towards positive x-axis. ठीक है, तो अब इसकी कोऑर्डिनेट्स का अगर निकालना भी है तो उसको यूज कर सकते हैं. यहाँ पे इस इक्वेशन को देखो, मैं वापस से यूज करता हूँ. तो dx की वैल्यू को हम लिख सकते हैं e by b into dt minus of cos of omega t into dt. लिखा जा सकता है सर? सर, अब अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो मिल जाएगा x is equal to e by b, ये 0 से x तक लिख रहे हैं, ये 0 से t और ये भी 0 से t, तो ये हो जाएगा e by b into t minus of and cos का integration कर रहे हैं तो sin of omega t and divided by omega आ जाएगा यहाँ पे and 0 से t तो ये यही रह जाएगा क्योंकि sin 0 तो 0 हो जाएगा. तो ये आ रही है आपके पास e by b into t minus of इसको qb by m लिख सकते हैं आप यहाँ पे omega को, qb by m and into sine of omega t. तो देखोगे तो sine function तो ठीक है, ये you know bounded है, but जो t है linearly increase करना हुआ जो function है वो तो unbounded ही है ना, है या नहीं है? हाँ सर. ठीक है, अगर आप देखोगे तो दो function का basically आपको क्या करना है, subtraction करना है. एक है साइन फंक्शन और एक है लीनियरली इंक्रीजिंग फंक्शन. तो अगर आप देखोगे इसको ग्राफिकली भी समझने की कोशिश करोगे तो काफी इजीली समझ सकते हो आप. जैसे देखो ये है y इक्वल टू x वाला फंक्शन, ठीक है, ये y इक्वल टू t है 45 डिग्री पे, ठीक है, दिस इज y इक्वल टू t मान लो, ठीक है, और एक है y इक्वल टू माइनस साइन ओमेगा t लेना है. ये देखो दिस इज y इक्वल टू माइनस ऑफ साइन ओमेगा t, समझ आ रही है आपको? हाँ सर. आप देखो इनका डिफरेंस अगर आप देखोगे, देखो डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस, देखो डिफरेंस लगातार इंक्रीज कर रही है, नहीं कर रही है? हाँ सर, दिख रही है. और यही चीज तो मैं आपको समझा रहा था कि ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो लगातार क्या होगा, आपका इंक्रीज ही करता जाएगा, वो कभी भी आपका घटेगा नहीं. डिड यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? हाँ सर. यस सर. ठीक है, तो x डायरेक्शन कभी भी x कंपोनेंट, सॉरी x कोऑर्डिनेट कभी भी डिक्रीज नहीं कर रही है, ये लगातार बढ़ती जाएगी. एंड y डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है वो आपकी एक पीरियोडिकली जो है वो प्लस से माइनस के बीच में वेरी करता जाएगा. अब इसको अगर आप देखोगे तो इसको अगर इन सब को कंपाइल करें फाइनली तो कैसा मोशन दिखने वाला है उसको एक बार दिखा देते हैं.
एक मिनट रुकिए, देखो आपको समझ आ रहा है ये मोशन कैसा होने वाला है? हाँ सर, ठीक है। वाई डायरेक्शन में अगर देखोगे तो ये बाउंडेड है, और एक्स डायरेक्शन में देखोगे तो ये अनबाउंडेड चल रहा है। यही बेसिकली क्या आपका साइक्लॉइडल पाथ है, दिस इज साइक्लॉइडल पाथ। ये साइक्लॉइडल पाथ हमने क्लास 11 में पढ़ा है क्या? पढ़ा है सर। आपको बताया था साइकिल मतलब एक रोलिंग ऑब्जेक्ट का सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पॉइंट का अगर आप लोकस देखते हो तो वो लोकस जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, साइक्लॉइडल पाथ का ही होता है ना? एक बार जस्ट आपको रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको ध्यान रह जाए, इन केस अगर आपको याद नहीं हो तो। ये हमारा रोलिंग ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी हम वी दिखा रहे हैं एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा दिखा रहे हैं। ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, मान लो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की आपको वेलोसिटी पता है ना, जीरो होती है, पता है? हाँ सर। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट की वेलोसिटी अभी जीरो है, और इसमें अगर इसकी लोकस आप देखोगे तो इसका लोकस जो होता है, जैसे जैसे रोलिंग ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा तो इसका लोकस जो दिखेगा वो आपको बेसिकली साइक्लॉइडल दिखेगा, तो उसकी लोकस आपको कुछ ऐसी दिखने वाली है, ये बेसिकली ऐसा जाएगा। मतलब इसी में आप इसको डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे दिखा सकते हैं कि ये जो होगा ये कितने पोजीशन के कितने देर के बाद आएगा, हाफ रन रोटेशन के बाद ना। मतलब अगर इसको पी दिखा रहे हैं, हाँ सर, इसको अगर पी दिखा रहे हैं और इसको क्यू दिखा रहे हैं तो एग्जैक्टली हाफ रोटेशन के बाद ये हुआ होगा। हाफ रोटेशन के बाद ये क्यू आपका नीचे आ चुका होगा और यहाँ पे पी ऊपर जा चुका होगा। आ रही बात समझ में आपको? हाँ सर। ठीक है सर, थोड़ी देर के बाद अगर सिचुएशन दिखाते हैं, जैसे किसी भी एक रैंडम सिचुएशन पे अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो जैसे यहाँ से मान लेते हैं किसी भी एक रैंडम टाइम पे मैंने यहाँ तक मान लेते हैं स्फीयर को अपना पहुंचा दिया है, रोल करता हुआ स्फीयर को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, इसको किसी भी एक रैंडम टाइम पे दिखा रहे हैं। ओके, ये देखिए, तो ये आफ्टर अ टाइम टी है, मतलब ये मान लो आप इधर जो दिखा रखा है ये टी इक्वल टू जीरो का दिखा रखा है, एंड ये जो दिखा रखा है टी सेकंड्स के बाद का दिखा रखा है, तो टी सेकंड्स बाद जो सेंटर जितना डिस्टेंस आगे मूव कर जाएगा ये तो हम तुरंत बता सकते हैं, वी इनटू टी होगा, नहीं होगा? होगा हाँ सर। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हम इजिली बता सकते हैं, ये वी इनटू टी आ जाएगा, दिस डिस्टेंस विल बी वी टी, सेंटर का जो डिस्टेंस मूव है दैट इज vt, बट सर्कमफेरेंस का वो जो पॉइंट होगा वो सर्कमफेरेंस का पॉइंट थोड़ा सा शिफ्ट होके ऊपर आ चुका है, देखो वो सर्कमफेरेंस वाली पॉइंट देखो यहां आ चुकी है, दिख रही है आपको? क्योंकि ग्रीन वाला जो डॉटेड लाइन है वही तो उसका लोकस था ना, याद है आपको? हां सर। तो p वाली जो पॉइंट है वो देखो अभी शिफ्ट होके यहां आ चुकी है, तो टाइम t के बाद वो जितना एंगल टर्न कर चुका होगा सेंटर के रिस्पेक्ट में वो ओमेगा इनटू t होगा। होगा हां सर। होगा सर। ये रेडियस r है, तो यहां से अगर मैं एक लाइन स्ट्रेट लाइन ऐसे कनेक्ट करूं हॉरिजॉन्टली तो ये वर्टिकल डिस्टेंस जाएगी, ये डिस्टेंस जाएगी, देखो ये डिस्टेंस होगी r cos ऑफ ओमेगा t, तो नीचे से जो डिस्टेंस होगी ये वाली डिस्टेंस, दिस इज बी r इनटू 1 माइनस ऑफ cos ऑफ ओमेगा t, और इधर से ये वाली डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा कंजेस्टेड हो गया, ये एक मिनट थोड़ी सी ज्यादा कंजेस्टेड हो गई है,
एक मिनट, ये देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, देखो आर साइन ओमेगा टी दिख रही है आपको सर, आर साइन ओमेगा टी और वी टी डिफरेंट है, ठीक है। देखो वहां पे क्योंकि पी जो है वो एग्जैक्टली वर्टिकल, मतलब ब्लैक वाला जो पी लिखा है मैंने वो रेड वाले पी के वर्टिकली ऊपर नहीं है, थोड़ा सा शिफ्टेड है, समझ आ रही है आपको? हाँ सर, ठीक है, ठीक है, वो चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, वो डायग्राम ड्रॉ करोगे तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना उसको। तो अब देखो अगर मान लेते हैं कि हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा चूज करते, कोऑर्डिनेट एक्सिस ऐसा चूज करते जो हॉरिजॉन्टल लाइन पासिंग थ्रू पी है वही हमारा एक्स एक्सिस होता मान लो, एंड जो वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू पी है वही हमारा वाई एक्सिस होता, ये वाई एक्सिस होता। तो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी क्या बोलते हैं आप? पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आफ्टर टाइम टी क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी टी सेकंड्स लेटर अगर बताते तो क्या बताते आप बताइए? एक्स कोऑर्डिनेट कितनी है? वी टी माइनस ऑफ आर साइन ओमेगा टी है या नहीं है? हाँ सर, हाँ सर। और वाई कोऑर्डिनेट कितनी बताते आप? R into 1 minus of cos omega t. देखो ये मैच कर रहा है नहीं उसके इक्वेशन से जो हमने अभी ऊपर निकाला था? हाँ सर, एकदम मैच कर गया। देखो सब कुछ मैच कर रहा है, देखो कुछ भी डिफरेंट नहीं है। देखो y कोऑर्डिनेट इज R into 1 minus cos omega t, ये देखो y कोऑर्डिनेट इज me by qb square into 1 minus cos omega t, दिख रही है? हाँ सर। ओके, इसमें हमने निकाला x कोऑर्डिनेट इज vt minus r sin omega t. एक्स कोऑर्डिनेट इज, देखो दिख रही है आपको? हाँ सर। इसका मतलब कि ये जो रोलिंग ऑब्जेक्ट में जो भी सर्कमफेरेंस का कोई भी एक पॉइंट जो लोकस लेता है, मतलब जो पाथ लेता है वही बेसिकली साइक्लॉइड का पाथ है, एंड एग्जैक्टली सिमिलर पाथ में बेसिकली ये चार्ज पार्टिकल भी मूव कर रहा है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ सर, हाँ सर। तो ये याद रखना कि अगर आप एक चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप रिलीज करते हैं तो उस केस में चार्ज का जो लोकस होता है वो एक साइक्लॉइडल पाथ होता है, और इस साइक्लॉइडल पाथ में जो बाउंडेड रीजन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अलोंग होता है, और जो अनबाउंडेड रीजन है वो अकॉर्डिंगली आप जो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो आएगा, मतलब एक्स वाई प्लेन में जिस प्लेन में मोशन हो रहा है उस डायरेक्शन में आप अनबाउंडेड मोशन करेंगे। ठीक है, समझ आइए आपको? हाँ सर, ठीक है।